हे एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के इस बहुत ही खास, बहुत ही धमाकेदार सेशन में। 3 घंटे लगातार हम पढ़ाई करने वाले हैं, सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार लाइव आ जाइए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कौन कौन लाइव है, ताकि फटाफट से हम अपने सेशन को शुरू करें। जल्दी से आ जाइए, ठीक है। कॉपी पेन लेके आ जाओ, धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा, पूरा इंतजाम कर रखा है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट मी जस्ट, मैंने आज थोड़ा सा बोर्ड चेंज किया है, लेट मी जस्ट मेक इट मोर क्लियर, ताकि आप लोगों के लिए हम और अच्छे तरीके से चीजों को कवर कर पाए। तो एक बार आवाज सही है, एक सेकंड मैं खुद देख लूं यार, एक बार चला के। या परफेक्ट, अब सही है। सो शुरू करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। कॉपी पेन लेके बैठिएगा जितने भी बच्चे हो, हर चीज को अच्छे से समझना है, हर चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। क्लियर है जी? मैथमेटिकल रीजनिंग, देखिए जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत डर होता है। उसका रीजन यही है कि सर मैथ नहीं आता, मैथ में बहुत डर लगता है, मैथ में बहुत फियर आता है। तो जब भी आप मैथमेटिकल रीजनिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको सबसे सही तरीका, मैं आपको बता रहा हूं, उस सही तरीके को आप लोगों ने यूज करना है। कौन से? मैथमेटिकल रीजनिंग को जब भी शुरू किया जाएगा उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आप जो बेसिक एप्लीकेशन है वो सीखिए एवरेज की, ठीक है, जो मैं आपको पिछली 3 क्लासेस में करवा चुका हूं। एवरेज, एवरेज की बेसिक एप्लीकेशन सीख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन भी शुरू करेंगे, प्लीज पहले इसको समझ लो सारा। एवरेज की बेसिक एप्लीकेशन सीख लीजिए। जब आप लोगों ने एवरेज सीख लिया तो आपने एक कदम बढ़ा दिया अपनी इस जर्नी में, मतलब अब आप लोगों को टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको एकदम से ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब कुछ तो आ रहा है, कुछ ना आने से। उसके बाद आप शिफ्ट हो जाओ रेशो पे, रेशो पे, रेशो। रेशो की एप्लीकेशन आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं डीआई की बात करूं, डीआई में आपको रेशो दे रखी होती है और पूछा जाता है कि रेशो निकालो, ये करो वो करो, वो उस तरीके से आपको पूछा जाता है। उसके बाद लास्ट में जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो है आपका परसेंटेज। जो सबसे लास्ट पोर्शन आता है वो आता है आपका परसेंटेज का। अब परसेंटेज आपका सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप ये समझ लीजिए कि परसेंटेज को बेस बना के आप पूरे मैथमेटिक का जो अरिथमेटिक का पोर्शन है उसको बना सकते हो। उसके लिए आपको परसेंटेज की एप्लीकेशन होनी जरूरी, जिसको आप प्रतिशत भी बोल देते हो। तो अगर आप लोगों ने ये 3 चीजों पे कमांड हासिल कर लिया, आपने एवरेज सीख लिया क्या होता है, आपने रेशियो सीख लिया, आपने परसेंटेज सीख लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि जो वो मैथ का फियर है, वो जो मैथ का फियर है ना, वो आपके दिमाग से कहीं ना कहीं एकदम से निकल जाएगा, ठीक है जी। पहले तो आप लोगों ने ये चीज अपने दिमाग में बिठानी। अब हम एक एक करके कुछ कंसेप्ट सीखेंगे और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। हम एवरेज वगैरह तो अपना कर चुके हैं, अभी हम सीखेंगे रेशो की एप्लीकेशन। रेशो में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट देखे जाऊंगा जिसको यूज करके आप रेशो से रिलेटेड हर क्वेश्चन को बना सकते हो। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, जी जी, सभी एग्जाम के लिए, सिर्फ ये यूजीसी नेट के लिए नहीं है, अगर आप कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ आता है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यार आवाज सही नहीं आ रही क्या? रुको एक सेकंड, फिर
चलिए अब सही होगी, अब सही है, अब बता दीजिए एक बार, अब सही है। चलिए तो रेशो को सुनते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि रेशो क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखिए जब हम रेशो की बात करते हैं तो इसका मतलब रेशो, मतलब रेशो का मतलब आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे मैंने लिख दिया ए और बी, मतलब ए रेशो बी लिख दिया, मतलब रेशो के लिए आपको दो नंबर की जरूरत होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, रेशो के लिए आप लोगों को दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी कि रेशो किस तरीके से निकलती, क्योंकि दो नंबर नहीं होंगे तो आप कंपेयर किस करोगे, समझ रहे हो ना। रिलेशन की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर रिलेशन की बात हो रही है इसका मतलब रेशो की बात हो रही है, दो चीजों के बारे में कंपेयर करने की बात की जा रही है। जब रेशो की एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा सम देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। मैं बोलता हूं कि एक क्लास है उसमें 60 बच्चे हैं, ठीक है, 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, और उनको दो रेशो तीन है, मतलब बॉयज हैं वो दो हैं और जो गर्ल्स हैं उनकी रेशो तीन है, तो आपने इनका नंबर बताना है कि क्लास में बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आंसर बताइए, चौबीस और छत्तीस, चौबीस और छत्तीस, कुछ बीस और तीस बता रहे हैं। देखो यही चीज है जो मुझे आप लोगों को सिखानी। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। जब आपको स्कूल में रेशो सिखाई जाती है ना, अगर आप इसको स्कूल वाले मेथड से करोगे ना, तो आपको कैसे सिखाई जाती है रेशो, आपको क्या बोला जाएगा कि बॉयज का नंबर ऐसे निकलेगा 60 × 2/5, मतलब अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पास बॉयज का नंबर आ जाएगा, फिर इस 60 को 3/5 मतलब टोटल के साथ डिवाइड करोगे तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। आपको इस तरीके से सिखाया जाता है और यह गलत भी नहीं है, ठीक है, आपको इस तरीके से सिखाया जाता है और यह गलत भी नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके की जगह एक और मेथड है जिसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, उसको सीखो। क्यों? क्योंकि ये मेथड आपको कंफ्यूज कर देता है और आपका काफी सारा टाइम भी ले लेता है। अब वो कैसे यूज करना है आप वो समझो। देखिए हमेशा एक बात दिमाग में रखिए कि जो रेशो है ना, जो रेशो है, जो उसका सम होता है, जो रेशो का सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो क्वेश्चन में दिए गए टोटल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टोटल के बराबर होता है, मतलब रेशो का जो सम होगा वो क्वेश्चन में जो दिया हुआ टोटल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पांच है ना वो एक्चुअली में किसके बराबर है, वो 60 के बराबर है। किसके बराबर है? 60 के बराबर है। अगर टोटल के हिसाब से देखें, मतलब टोटल के हिसाब से जो 60 है वही रेशो के हिसाब से 5 है, पहले इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है जी। मैंने क्या बोला कि जो रेशो है उसका जो सम है वो रेशो के सम के हिसाब से तो 5 है, बट एक्चुअली में अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो वो 60 के बराबर है। तो यहां से आप लोगों ने क्या बात दिमाग में रखनी है, आपने हमेशा एक सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे आप सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालोगे हमेशा, इसको यूनिटरी मेथड बोल दिया जाता है। आप एक यूनिट की वैल्यू को क्या करोगे, निकालोगे। वी विल फाइंड आउट वैल्यू ऑफ वन यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू है यहां पे निकालेंगे। अब एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान से समझ लो, दो रेशो तीन है ना, पांच यूनिट का मतलब क्वेश्चन में 60 दे रखा है, स्कूल के हिसाब से सिखाता हूं, तो वन यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप बोलोगे सर कुछ नहीं, 60 / 5 मतलब 12। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? उम्मीद करता हूं ज्यादातर बच्चों को यह तरीका आता है, बट जिसको नहीं आता बिल्कुल बेसिक से शुरू किया, ठीक है। धीरे धीरे लेवल है उसको बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल है उसको इंक्रीज करेंगे, फिलहाल के लिए यह चीज सीख लीजिए। तो अब अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई, कॉमन सेंस की बात है, अब आपको कोई भी नंबर पूछे, पांच यूनिट की वैल्यू तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 यूनिट की वैल्यू तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब अगर एक यूनिट की वैल्यू 12 है
तो दो यूनिट की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 12 के साथ गुणा करेंगे, 12 दूना 24, तीन की वैल्यू अपने आप का 12 गुणा, 12 तिया 36। अब इसको अगर चेक करना चाहते हो तो 24 प्लस 36 इसकल टू 60, रेशो के हिसाब से देखोगे 2:3 इसकल टू 5। दिस इज द होल क्रक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आप लोगों ने सीखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए रेशो का, आप उसको बड़ी आसानी से बना सकते हो, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। बात समझ आई बच्चे, किसी को इस बात में कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ आ गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन खुद बनाओ, सेम यही तरीके से बनाना है। क्वेश्चन है कि कोई वैल्यू है, वो वैल्यू है आपकी 125, मतलब 125 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और उसमें 1:4 मतलब एक बॉय है और 4 गर्ल्स हैं, तो आपने बॉयज और गर्ल्स का नंबर निकालना है। इसी मेथड को यूज करना है, ठीक है, वो पहले वाला नहीं यूज करना, यही मेथड यूज करना। जल्दी निकालो, देखो लिखना नहीं है, ठीक है, अब दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए, दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि अच्छा इसका मतलब ये हो सकता है। ज्यादातर बच्चों का 25/100 हो गया। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 5 है, ये जो 5 होता है वो किसके बराबर है, वो 125 के बराबर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल क्या करना है, 25 5 जाए तो 125 होता है, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 25 आ गई। तो इसका मतलब ये जो 1 है इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी, और ये जो 4 है ये 4 × 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 100। बताइए कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक है। देखिए प्रॉब्लम हमारी यही होती है, हम बेसिक नहीं सीखते और हम सोचते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो बनाएंगे। देखो बेसिक के बिना कभी बात नहीं बनती, तो पहले बेसिक सीखो, छोटी छोटी चीजों को सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आपको और क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप उसको बनाना तो और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है जी। सो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो रेशो में ही आता है, ठीक है, पहले आप कंसेप्ट सीखो। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, जो रेशो में ही कंसेप्ट आता है वो आता है मिसिंग वाला। कौन सा? मिसिंग वाला। मिसिंग वाला मतलब क्या हुआ, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया a:b इसकल टू 2:3, b:c इसकल टू 4:5, और c:d इसकल टू 3:4। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, स्कूल में आपने अक्सर सीखा होगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि निकालो a:b:c:d, प्लीज इसको बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें जो यहां पे आपको सिखाने वाला हूं मैं। जल्दी निकालो, पहले इसका आंसर दो। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो बोल रहे हैं सर पड़ोसी मेथड, सिखाएंगे उस पड़ोसी मेथड को भी सिखाएंगे, सब सीखेंगे। पहले आप इसको आंसर बताओ मुझे, a:b:c:d निकालो क्या होती है, क्या आएगा? 24 36 45 60। अरे 2:5 कहां से आ रहा है, चारों की वैल्यू। अरे पगला गए हो क्या, ये पूछा है मैंने a:b:c:d, 4 नंबर आएंगे। देखिए इसको निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, पहले मैं आपको एक वो चीज सिखाता हूं जो आपको परसेंटेज में काम आएगी। देखिए जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके की वैल्यू दे रखी हो तो एक बात हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होगा ना ए, इसकी रेशो जो आएगी वो इन नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन होगी। कहने का मतलब
तीन चौके 12 दूना 24, तो ये तो कंफर्म है कि ये 24 होगा, ध्यान से, क्योंकि ये आपका परसेंटेज में बहुत काम आने वाला है। जो पहला नंबर है ये वाला, इसकी जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आएगी। लेफ्ट साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, ये परसेंटेज चेंज में बहुत काम आएगा। और उसी तरीके से ये जो लास्ट नंबर है दैट इज डी, जो लास्ट नंबर है वो आएगा इन सभी को मल्टीप्लाई करके, मतलब 5 × 3 = 15 × 4 = 60। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? पहले ये बात समझ आ गई सभी को? क्या बोला मैंने, जब आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी होगी तो जो पहला नंबर है उसकी वैल्यू इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके होगी, और जो लास्ट नंबर है वो इन सभी को मल्टीप्लाई करके होगी। तो अगर तो डायरेक्ट पूछा जाता, अगर आपको पूछा जाता कि ए रेशो डी निकालो, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको कैंसिल कर देते, आप इसको क्या कर देते, कैंसिल कर देते। ठीक है जी, फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट अब हमें कुछ नया सीखना है, हमें चारों नंबर की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब ध्यान से समझ लीजिए, जो जो वैल्यू दे रखी है पहले वो वैल्यू लिख लेते हैं। देखो 2:3 है ए और बी की, बी और सी की कितनी है 4:5, और सी और डी की कितनी है 3:4। पहले आपने इस तरीके से ये लिख लेना है। ठीक है जी, आपने इस तरीके से ये लिख लिया, यहां तक सब बच्चों ने लिख लिया। अब इसके बाद मैं इस मेथड को क्या नाम देता हूं, मैं इस मेथड को नाम देता हूं पड़ोसी मेथड। कौन सा मेथड? पड़ोसी मेथड। अब बोलोगे सर पड़ोसी मेथड क्या है? कुछ नहीं, जो खाली जगह के पड़ोस में वैल्यू है वो लिखो। कैसे लिखोगे सर? लिख देते हैं। देखो अगर मैं इसको देखूं, ये जगह खाली है ना, ये वाला पॉइंट खाली है, तो इसके पड़ोस में क्या है 3, ये खाली है, इसके बगल में कौन आ गया 3, फिल हो गया। अब ये वाला नंबर है, देखो यहां पर डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी 5, क्योंकि 5 इसका पड़ोसी है, 5 है वो इसका पड़ोसी है। अब ये जो 4 है इसका पड़ोसी क्या होगा, यहां पे क्या आएगा, इस साइड पे 4 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे इसका पड़ोसी कौन है 3, और इसका पड़ोसी कौन बन जाएगा 3। पहले यहां तक आप लिख लीजिए, ये वाली वैल्यू आप लोगों ने निकाली, दिस इज द बेस्ट मेथड। This is the best method that you can solve to ratio. बस उसके बाद गुणा कर दो। देखो अब आप, अगर आप ध्यान से देखते हो ना, एक बार ध्यान से देखो, ये जो सेम वैल्यू है अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्या यही नहीं है 2, 4, 3 बिल्कुल आएगी। मैंने क्या बोला था, इन्हीं को मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही वैल्यू यहां पे आएगी। उसी तरीके से 3, 5, 4 इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और जो बीच में रह गए उनकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, क्या है इसमें बताओ जरा। सो ये दोनों चीजें आपने यहां पे सीखी कि अगर पहली और आखिरी की पूछी जाए फिर तो कुछ नहीं है भाई, इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, लिख दो आमने सामने, बात बन जाएगी। बट अगर सबकी निकालनी पड़ जाए तो ये डाल दो, सबके पड़ोस में जो जो है उसको डाल दो, उससे बात बन जाएगी, सबके पड़ोस में जो है उसको डाल दो, बन जाएगी। तो ये मेथड आप लोगों ने याद रखना है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है, पहला तो ये। अब दूसरा, अब सुपोज करो अगर क्वेश्चन इतना होता, ए रेशो बी इक्वल टू 2:4 और बी रेशो सी इक्वल टू 3:5, तो कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, इसका आंसर दो। इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकलेगी बताओ जरा।
6, 12, 20। देखो लॉजिक देखो, अब इसमें सिर्फ यही चार नंबर है तो इनको गुणा करूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 6, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की अभी देखेंगे, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 20। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब तीन ही नंबर हो ना तो यहां पर देखो बी कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो इनका गुणा करेंगे मतलब 4 × 3 = 12 वो यहां पे वैल्यू आ जाएगी। ये और भी आसान है, ये अगर छोटा क्वेश्चन हो वहां पे होता है। उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब यहां पर एक और चीज सीखने वाली है आप लोगों के लिए, वो क्या है, अब 6:12:20 क्या मैं इसको 3:6:10 लिख सकता हूं, यस और नो, आंसर यस और नो, क्या मैं इसको 3:6:10 लिख सकता हूं या नहीं। अब बोलोगे सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिखिए सर, मौज है आपकी, आप लिख सकते हैं। चलिए अब ये तो आपने बोल दिया कि सर हम लिख सकते हैं, चलो मैं आप एक और एग्जांपल लेता हूं, 6:12:14 है, 14 रहने दो, ऐसे करो 6:09:20 ले लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि इसको 3 से काट देता हूं, इसको भी 3 से काट देता हूं, इसको 2 से काट देता हूं, क्या ये सही है या गलत है, बस आपने ये बताना है, आपने ये बताना है कि क्या ये जो मैंने कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। बहुत तेज हो रहे हो, नहीं, तो मेरा समझाने का पर्पस यहां पे है कि अगर मैं किसी नंबर को, रेशो के नंबर्स को कैंसिल करना चाहता हूं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है बेटे कि एक ही नंबर से कैंसिल होगा। अब ये तो 3 से कैंसिल हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मतलब एक कॉमन नंबर होगा जो इन सभी को कैंसिल करेगा जो कि यहां पर था, सो ये गलत है। क्लियर है जी, तो ये भी उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है जी। और दूसरी बात, किसी भी स्टूडेंट को मेरे कोर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है गूगल, उसको भर दो, फीडबैक फॉर्म है, उसको भर देना, ठीक है, जैसी क्लास खत्म होगी उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। क्लियर है जी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको बता दीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा आगे। एक और चीज सीखने वाली है, कई बार आपको क्वेश्चन में पता कैसे दे दिया जाता है, 2a = 3b = 4c, आपको पूछा जाएगा निकालो बेटे a:b:c, ये निकालो, कैसे निकलेगा, जल्दी से निकालो, निकालो, अब बहुत सारे महान पुरुष हैं जो बोल रहे हैं कि सर सीधा तो है 2:3:4, जिन्होंने ऐसा निकाला मुंह पे पानी डालो क्योंकि ये गलत है। यही चीज तो सीखनी है जो आप लोगों ने गलत की है। क्वेश्चन क्या है, ये बराबर दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि a:b:c निकालो, तो याद रखिए जब भी बराबर का साइन है इसको रेशो में कन्वर्ट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब बोलोगे सर रेसिप्रोकल का मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा कि 1/2a:1/3b:1/4c, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
अब इसके बाद सॉल्व करें। सर ऐसे कैसे सॉल्व करें, ये तो टेढ़ी मेढ़ी सी संख्याएं दे दी, आसान आसान खुद करते हो, डिफिकल्ट हमें दे देते हो। सर ये ऐसे मजे मत लिया करो। देखो ध्यान से सुनो, जब ये नंबर कुछ इस फॉर्म में आ जाएं तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। अब ऐसा मत बोलना कि सर एलसीएम कैसे लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। अगर आप देखोगे ना तो इनका एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। मतलब एलसीएम का एक ऐसा नंबर जो सभी के साथ फंस जाए, मतलब फंस जाए नहीं, सभी के साथ कट जाए। अब इसके बाद क्या करना है, जो एलसीएम है ना, इन सभी को एलसीएम के साथ गुणा कर देनी है। इसको भी 12 के साथ, इसको भी 12 के साथ, इसको भी 12 के साथ। ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब जो रेशियो बनेगी 6:4:3। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। फाइनल आंसर विल बी 6:4:3। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई? तो गलती नहीं करनी, कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करनी। बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल होगा। अब ये तो हुआ एक तरीका, एक और तरीका सीख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूं, हम एक और तरीका सीखते हैं इसी का। देखिए आपको एक बात पता है, अगर आप मैथ पढ़ते हो, कि जो मैथ है ना वो बहुत लॉयल सब्जेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एक ये रूल होता है आपका मैथ का, कि जितना लेफ्ट की तरफ होगा उतना ही राइट की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बीच में बराबर दे रखा है तो एक्चुअली में ये वैल्यूज बराबर हैं, एक्चुअली में ये वैल्यूज बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो भाई रेशो कैसे आएगी, देखो ध्यान से सुनो, 2a = 3b = 4c। उस वाले लफड़े में पढ़ने की बजाय इन सभी को बराबर कर दो। बराबर कैसे करेंगे, देखो ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। इन सभी को 12 बना दो, 2 है, मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, तो a की वैल्यू 6, 6 × 2 = 12। उसके बाद 3 को किसके साथ गुणा करूं कि 12 बन जाए, b 4, 4 × 12। और सी किसके साथ 4 को गुणा करूं कि 12 आ जाए, 3। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, इस तरीके से डायरेक्ट भी इन क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके से इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि यह समझ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अच्छा सुपोज करो क्वेश्चन यह होता कि 1/2a = 1/3b = 1/4c, तो निकालो a:b:c, निकालो जरा कितना आएगा अगर ऐसा होता। हां अब डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि बराबर है तो इसको ऑपोजिट करोगे तो ये 2 ऊपर 3 ऊपर 4 ऊपर, तो मतलब 2:3:4 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितने बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, देखो 960 से ज्यादा बच्चे लाइव हैं, 853 लाइक हैं। तो ये जो बीच का गैप है, किस रास्ते जा रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, कृपा कैसे वरसेगी, लाइक करो यार, लाइक करो फटाफट से, इतने अच्छे से क्लास चल रही है, अभी तो बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, ये अभी तो बहुत लंबा बैठने वाले हैं, अभी तो 5:30-6 बजे, अभी तो आधा घंटा हुआ पढ़ते हुए। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके अंदर ना एक और कंसेप्ट आता है जो आप लोगों ने समझना है, वो है इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखा बिना लाइन के भी एकदम सीधा लिखता हूं मैं।
इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आपके काम आएगा, काफी ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अब कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो, अब लोग सर कैसा बना दिया, मेरी इच्छा, मैंने बनाया। आप हर महीने में 50,000 रुपए कमाते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है, 50,000 रुपए है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, 50,000 रुपए। ऐसे ही खुश हो जाओ, फील ले लो यार, अभी तो तुम बेरोजगार बैठे हो। 50,000 रुपए तुम्हारी इनकम है, 50,000 रुपए तुम्हारी इनकम है, और तुम हर महीने इसमें से 20,000 है वो खर्च देते हो। मतलब 20,000 तुमने खर्च दिया, घर का राशन ले लिया, सहेली को चॉकलेट दिला दिए, उसके भाई को किताबें दिला दी, जो कुछ भी किया, तो उसके लिए 20,000 रुपए आपका खर्चा हो गया। और बाकी आपकी जेब में कितना बचा, अब बोलोगे सर मेरी जेब में बचा 30,000, इसका मतलब एक सहेली और बना सकता है, तू बनाने मत लग जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी हो गई सेविंग। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं कि यह छोटी सी एग्जाम्पल से आपको यह कंसेप्ट तो अच्छे से दिमाग में बैठा होगा कि भाई अगर ये जो मेरी इनकम है, मेरी इनकम के दो हिस्से होंगे, एक होगा वो हिस्सा जो मैंने खर्च दिया, दैट इज एक्सपेंडिचर, और एक वो हिस्सा होगा जो मैंने बचा लिया, दैट इज सेविंग। समझ आया, बात समझ आया। तो इसी कंसेप्ट को समझना है कैसे, कि मतलब क्या हुआ, इनकम किसके बराबर होगी, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर आपको यह रूल पता है, रूल क्या यार, अभी तो प्रैक्टिकल बताया है, सहेली की एग्जांपल इसी वजह से दी थी ताकि तुम्हें याद रहे। अब इसमें से कोई से भी दो वैल्यूज आपको दे रखी हो तो एक वैल्यू आप बड़ी आसानी से निकालोगे, ठीक है ना। जैसे वो बंदा गया ना अपने दोस्त के पास, यार बोला 20,000 रुपए उधार दे दे, बोला तुझे पता ना मैं उधार नहीं देता, तो बोला नगद दे दे, बोला हां मेरे को ही लूटना तू। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो अगर इनकम दे रखी, इनकम निकालनी है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड कर दो, एक्सपेंडिचर निकालना है तो सेविंग को इनकम से माइनस कर दो, सेविंग निकालनी है तो इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। जैसे मर्जी आपकी इच्छा है आप क्वेश्चन को बना सकते हो, बड़ी आसानी से यह क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हां अभी जो कंसेप्ट आपको सिखाना है रेशो का, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, टू नंबर्स आर इन रेशो ऑफ फोर, देखो दो नंबर हैं, पहले आपने बनाना है टू नंबर्स इन रेशो, कौन सी रेशो में है, 4:5। इफ वी एड 10 इन बोथ नंबर्स, अगर मैं दोनों नंबर में 10 एड कर दूं तो जो नई रेशो है, न्यू रेशो क्या बन जाएगी, न्यू रेशो 5:6। फाइंड द नंबर्स, नंबर बता करने हैं, जल्दी बताओ। ये समझ नहीं आते, आज समझ आएंगे, टेंशन मत लो, तुम लिखाई देखो यार क्या मस्त है, फटाफट से बनाओ इसको जल्दी से। नंबर बता करने हैं कि ये वाले जो 4 और 5 वाले नंबर थे ये कौन से थे, फटाफट से। देखिए जब आप स्कूल टाइम पे थे ना तब आप कैसे करते थे, अब मैं आपको एक बैकअप मेथड देता हूं पहले, उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। पहले आपको एक बैकअप मेथड देता हूं, स्कूल टाइम पे आपको आपके टीचर क्या बोलते थे कि बेटे इसको 4x मान लो और इसको 5x मान लो, स्कूल वाले के, अभी तो नेट वाले आजकल भी ऐसे करवाते हैं, कोई बात नहीं सीख लेंगे वो भी, और ऐसा आ जाएगा और उसके बाद इसकी वैल्यू 5/6 आ जाएगी, और फिर आप इसको सॉल्व करते रहते थे,
और वो भी स्क्रीनशॉट लगा के ना। चलिए कोई बात नहीं, सीख लेंगे वो भी अगर क्लास देख लेंगे। तो आप पहले नंबर को 4x मान लेते थे, उसमें 10 ऐड कर दिया तो जी 5 आएगा, फिर 5x है उसमें 10 ऐड कर दिया जी 5 बटे 6 आएगा, और फिर आप इसको कर दोगे गुणा, और फिर बनाते जाओ x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये अलग अलग तरीके की वैल्यू निकालते रहते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं है, मैंने आपको पहले बोला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम क्या है, पेपर में इतना टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन तो ऐसे बनना चाहिए चुटकियों में, क्या करना चाहिए, क्वेश्चन तो ऐसे चुटकियों में बनना चाहिए। चुटकियों में बनेगा कैसे बनेगा, अब वो सीखो। देखो दो नंबर हैं, वो 4:5 में है, दोनों में मैंने क्या ऐड किया, 10, यहां भी 10 ऐड किया, और जो नया नंबर बना वो 5:6 बना, 5:6 बना। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना इन दोनों के बीच का गैप देखना है, ये दूरियां मजबूरियां, ये बस दूरी ढूंढनी है और बस उस दूरी को बराबर करना है। मतलब जितना गैप यहां पे है, जितना गैप यहां पे है, अगर उतना ही गैप यहां पे है, क्या है बोलोगे सर, बिल्कुल, यहां पर एक यूनिट का गैप है और यहां पर एक यूनिट का गैप है, मतलब इसमें एक यूनिट ऐड की तो 6 बना, बट क्वेश्चन वाला तो कुछ और बोल रहा है, वो तो बोल रहा है हमने 10 ऐड किए, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये जो एक यूनिट है ना, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अगर एक का मतलब 10 हुआ, अभी सिखाया था, तो इस 4 का मतलब क्या होगा, 4 × 10 = 40, 5 × 10 = 50, तो नंबर आपके कितने आ जाएंगे, 40 और 50 आ जाएंगे। बड़ी आसानी से आप बना सकते, बड़ी आसानी से। अब दोनों के बीच में दूरियां बराबर हो गई, है ना, वो बोलते ना बड़े नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। तो इस तरीके से आपने इस गैप को बराबर करना है, गैप बराबर हो गया तो फिर कोई भी वैल्यू दे रखी हो, कंपेयर करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, अरे इक्वल नहीं होगा गैप, उस पर भी पहुंचते हैं, पहले भागो मत। अब मैं आपको बताता हूं, एक दो नंबर है ए और बी, पहले हम ऐसे ही एक करते हैं और वो उनकी जो रेशो है वो 5:7 है, हमने दोनों नंबर में 20 ऐड कर दिया, दोनों नंबर में 20 ऐड कर दिया और जो न्यू रेशो बन गई, पहले एक इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगर गैप बराबर नहीं होगा उसको बराबर करना सिखाता हूं। अगर बी बराबर एक 20 नंबर ऐड कर दिया तो जो नई रेशो बन गई वो कितनी बन गई, वो बन गई 7:9। तो फाइंड द नंबर, पहले ऐसा करते हैं जिसमें गैप बराबर है, उसके बाद वो करेंगे जिसमें गैप बराबर नहीं है। यस बिल्कुल, देखिए आप पहले आप वैसे तो कर सकते हो, अगर आपको अपनी एक्स से ज्यादा प्यार है तो इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, ठीक है, प्यार कहां है, अगर प्यार होता तो साथ होती ना, छोड़ के थोड़ी जाती, तो एक्स नहीं लेंगे, क्यों लेंगे एक्स, हम अपने तरीके से करेंगे। नंबर क्या है कि सर 5 और 7 तो ऑलरेडी दे रखा है, फिर दोनों में क्या ऐड किया, दोनों में 20 ऐड कर दिया, यहां पर भी 20 ऐड कर दिया, यहां पर भी 20 ऐड कर दिया, अगर दोनों में मैं 20 ऐड कर दूंगा तो जो नई रेशो बन गई वो बन गई 7:9, 7:9 बन गई। और जब मैंने देखा कि कितनी कितनी दूरियां हैं, ये बोला तू भी 2 किलोमीटर दूर मुझसे, मैं भी तुझसे 2 किलोमीटर दूर, बट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 नहीं है, 2 का मतलब तो 20 है, तो 1 का मतलब 10 होगा, अगर 1 का मतलब 10 है तो 5 का मतलब 50 होगा और 7 का मतलब 70। क्या था इसमें बताओ, जनता जवाब चाहती है, क्या था इस क्वेश्चन में,
अब बोलोगे सर ये तो अच्छा अच्छा करवा दिया आपने, सर जी गैप बराबर था तो फटाफट बन गया। अगर गैप बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, तो छोड़ देना क्वेश्चन को, दो नंबर ही तो है। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब हम समझते हैं कि इफ गैप इज नॉट इक्वल, इफ गैप इज नॉट इक्वल, अगर गैप बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, अगर गैप बराबर नहीं है तो कुछ कर लेंगे। चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं, और जिसका गैप बराबर नहीं है, दो नंबर है 3:5 है, ठीक है, ये ओल्ड नंबर है, ओल्ड नंबर है 3:5, हमने इसमें ऐड कर दिया दोनों नंबर में कितना 10 ऐड कर दिया, और जो न्यू नंबर आए वो किस रेशियो में आए, जो न्यू नंबर की रेशियो आई वो कौन सी बनी, वो बन गई 4:7। तो फाइंड द नंबर, चलो अब लगाओ इसको, बनाओ फाइंड द नंबर, चलिए लेट्स सी कितने प्रतिशत भारतीय इसको बना पाते हैं। बनाइए जल्दी, बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है अभी, बहुत पढ़ना भी तो 1 घंटा हुआ है, 8:30 बजे तक सारे 1000 लाइक हो गए। अरे मेरे को पढ़ाना नहीं आता फिर भी आ जाते हो मुंह उठा के, हैं। चलो बनाइए फटाफट से। अब देखो इतने अलग अलग तरीके के आंसर आ रहे हैं यार, ये तो बहुत गलत है। 90 और 150 सही आ रहा है, 90 और 150 सही आ रहा है, मतलब काफी सारे बच्चों का आ रहा है। लेट्स सी कि क्या ये सही है या गलत है। अब देखो जैसी क्वेश्चन आया सर आता है बना लेंगे, चलो बनाओ सर, दो नंबर है 3 और 5 और नई रेशो बन गई सर 4:7, दोनों में ऐड किया था सर जी 10, यहां भी ऐड किया था सर जी 10, दूरियां हाय ये तो दिक्कत हो गई, इसके बीच का गैप 1 है, इसके बीच का गैप 2 है, तो अब कैसे करेंगे। नहीं अब कैसे करेंगे सर, छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। देखो एक तो मैंने आपको बेस मेथड सिखाया, पहले भी आप उसको लगा सकते हो। कैसे करोगे, 3x जो आपको आजकल के आउटडेटेड टीचर करवाते हैं अभी तक, प्लस 10, फिर बोलेगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 4/7, आप लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत टाइम है आपके पास, बट मैं आपको बोलूंगा कि रहन दो यार, मेरे स्टूडेंट हो, इतना अत्याचार मत करो। तो बोले सर करेंगे कैसे, अब इसका एक तरीका होता है, इसका एक तरीका होता है, आपने इन दोनों नंबर का गैप देखना है, कितना गैप है 3 है, इसको इन दोनों के साथ गुणा कर दो, मतलब ऑपोजिट मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 15। मैं यहां पे लिख देता हूं 9:15, पहली बात तो ये हो गया। और जो इनका गैप है, इनका गैप कितना है 2, इस 2 को इन दोनों के साथ गुणा कर दो, 4 × 8 7 × 14 8 और 14 हो गया गैप बराबर। वाह सर जी वाह, मौज कर दी दूरियां बराबर 1 और 1, और इस 1 का मतलब हमें 10 दे रखा है। अब एक बात ध्यान रखना है, अब इसका गेम खत्म, ठीक है, अब इसको साइड पे कर देना, जो नया काम करेंगे वो इस पे इसके हिसाब से करेंगे, ये जो ये वाली नई वैल्यू आई है, तो 1 की वैल्यू अगर 10 है तो 9 की किसके बराबर हो जाएगी 90, और 15 × 10 150। दिस इज द वे हाउ टू मेक द गैप इक्वल। ठीक है जी, अब एक और करो, ठीक है, खुद करो तो ज्यादा मजा आएगा।
एक तो नए बोर्ड का दो नंबर है वो 4:7 की फॉर्म में है, ठीक है, ओल्ड नंबर, ओल्ड नंबर है वो 4:7 में है, दोनों में 10 ऐड कर दिया, ऐड कितना करना है 10 ऐड करना है, तो नई रेशो बनती है वो बनती है 6:8 जो न्यू रेशो बनेगी। देखो ये क्वेश्चन ही है, ठीक है, मैं बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूं, फाइंड द नंबर ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा सको, ताकि आपको ज्यादा क्वेश्चन करवा सको। अब इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको बना के देखिए, देखो ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, आज मैं मैथ की फॉर्म में डांटूंगा। अब अगर आपने किसी ने लड़ाई की ना, दो बच्चों ने, दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, समझ रहे हो ना, आज हमें मैथ मैथ से प्यार है। तो देखो अब एक तरीका तो वही था कि इसको एक्स मान लो जी, इसको एक्स मान लो, फिर 10 ऐड कर दो, वो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने अभी क्या सीखा था कि ये 4 है ये 7 है, दोनों में 10 ऐड किया, अगर दोनों में 10 ऐड किया तो इसका मतलब क्या है कि जो गैप है वो बराबर होना चाहिए था। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, ये बोला कि ये 6 और 8 है, ये 6 और 8 है, जब आपने दूरियां देखी तो यहां पर 2 की दूरियां, यहां पर 1 की दूरियां, 2 की दूरियां और 1 की दूरियां, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसका गैप ले लो 2 और किसके साथ गुणा कर दो, इसके साथ, मतलब 4 × 2 = 8 और 7 × 2 = 14 और इनका गैप कितना है 3, तो 3 को इसके साथ गुणा कर दो 3, 6 × 3 = 18 और 8 × 3 = 24। जब गैप देखा तो गैप कितना आया, ये भी 10 आ गया वो भी 10 आ गया, तो इसका मतलब नंबर भी 8 ये भी 14, खल्लास, इतने से हो जाता है, सेम ही रहेगा क्योंकि 10 का मतलब 10 है तो 8 का मतलब 8, 14 का 14, 18 का 18, 24 का 24। बताइए क्या नया था इसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि यह आप लोगों को समझ आ गया होगा, अच्छे तरीके से यह आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ऐसा ही। अब आपको क्वेश्चन दिया रहता है 30% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी इक्वल टू 50% ऑफ सी, तो रेशो निकालो बच्चों, ए रेशो बी रेशो सी निकालो, लेट्स सी कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। अब ये जो 3, 4, 5 वाले हैं ना, मुंह धो के आओ, अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, दिमाग मत खराब करो, अभी सिखाया, पुरानी कॉपी पे पिछला पेज देखो, यार सब बेड़ा गर्क हो चुका है, आमिर सदीकी भी तुमसे कहीं अच्छा है, 6 साल मॉस्को पढ़ के आया वो, अरे भाई तुम्हें बीच में बराबर का साइन नहीं दिख रहा, अगर रेशो ही निकालनी थी तो बराबर का साइन देने की क्या जरूरत थी, तुम्हें बराबर का साइन लगाने की क्या जरूरत थी। तो देखो पहले तो देखो, आप परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, कट गया कट गया, 0 से 0 काट दो, तो क्वेश्चन पहले जैसा ही बन गया, 3a = 4b = 5c। अब दोनों तरीके से बना सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इन कैल्सियम ले लो, डायरेक्ट इन कैल्सियम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 4,
60 ले लो एलसीएम डायरेक्ट, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो बस 60 बनाओ, इसको किसके साथ गुणा करूं कि 60 आ जाए 20 के साथ, 4 को किसके साथ गुणा करूं कि 60 आए 15 के साथ, 5 को किसके साथ गुणा करूं कि 16 आ जाए 12 के साथ। बस इतना सा क्वेश्चन था, 20 15 12 कितनी आसानी से बन गया। समझ रहे हो ना, वैसे वैसे भी कर सकते हो आप 1/3 1/4 1/5 लेके फिर से गुणा ही करोगे 60 के साथ, हमने डायरेक्ट कर लिया। तुम्हारी इच्छा है, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मेरी इच्छा थी आपको सब कुछ सिखाने की, अब आप क्या अप्लाई करते हो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है जी, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इन दोनों में से कौन सा तरीका अप्लाई करना पसंद करोगे। ठीक है जी, चलिए आगे का कंसेप्ट देखते हैं थोड़ा सा। चलो निकालो, एक क्वेश्चन और करते हैं। टू नंबर दार रेशो ऑफ टू रेशो थ्री, दो नंबर हैं वो 2:3 में है, हर नंबर में ऐड कर दिया 6, एडेड 6 इन ईच नंबर, दोनों में 6 नंबर 6 ऐड कर दिया, तो जो नई रेशो आ गई वो आ गई 5, 4:5 4:5 न्यू रेशो आ गई। तो फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर, चलो निकालो। अब ये तो बन जाना चाहिए, देखो ये सबसे सबका बन जाना चाहिए। फटाफट ऐसे चुटकियों में बनना चाहिए। अब इसमें कुछ नहीं है करने के लिए, ऐसा सेम डिट्टो क्वेश्चन मैंने करवाया आपको। विदाउट पेन एंड पेपर बनना चाहिए। देखो 2:3 दोनों में क्या ऐड किया 6 ऐड किया, इसमें भी 6 ऐड किया, तो रेशो बन गई 4:5। ये जो गैप है वो किसका है, 2 का मतलब 6, तो 1 का मतलब 3, तो ये भी 3 गुणा हो गया 6 और ये भी 3 गुणा हो गया 9, 6 एंड 9 इज द राइट आंसर। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट बनाना था, सेम टू सेम जो अभी सिखाया आप लोगों को, अभी जो कंसेप्ट सिखाया सेम, इसमें क्योंकि डिफरेंस सेम था तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये जो गैप था 2 की वैल्यू आपको 6 दे रखी थी, जिसको आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। राइट, चलो अगला बनाओ एक और, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे शिफ्ट करेंगे। दो नंबर हैं और उनकी रेशियो दे रखी है आपको 2:3। दो नंबर है उनकी रेशियो 2:3 दे रखी है। If we added 5 to each number, add 5, सभी दोनों में 5-5 ऐड किया, तो जो नई रेशो बन गई वो बन गई 5:7। तो find the number, जल्दी निकालो, मेरे लिखने से पहले आंसर आ जाना चाहिए आपका। नंबर निकालो फटाफट से, जल्दी निकालो। देखिए उसी तरीके से करना है, दो नंबर है 2:3 है और 5:7 बन गया। ऐड क्या किया था, ऐड तो किया था +5, बट जो गैप था यहां पे 3 का है यहां पे 4 का है, तो दिक्कत हो गई।
तो क्या करेंगे, इसका गैप ले लो दो, इसको गुणा कर दो दो के साथ, मतलब दो दूनी चार, तीन दूनी छह, और इसका गैप तो उतना ही रहेगा पांच और सात, पांच और सात, बस बराबर हो गया। ऐड कितना किया, पांच, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, पांच के, तो चार की वैल्यू पांच चौका बीस, छह की वैल्यू छह पंजे तीस। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली, जल्दी से कैसे क्वेश्चन को बनाए वो सीखिए। बन गया, इज इट क्लियर? ये तरीका है क्वेश्चन को बनाने का जो आपने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। उम्मीद करता हूं कि अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन, यहां तक समझ आया तो एक बार प्लीज कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए अगर समझ आ गया तो। चलिए अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, अब एक नया कंसेप्ट सीखते हैं जो आप लोगों ने सीखना है। देखिए अब एक ना कुछ जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50%, 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, इन दोनों की रेशियो बताओ, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज, इन दोनों की रेशियो बताओ फटाफट से निकालो। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके पेपर में भी पूछा गया था। देखिए ध्यान से सुनिए, हमारे पास तीन नंबर हो गए, ठीक है, पहला नंबर हमने ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया और तीसरा सी मान लिया। जब एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना जिसमें आपके नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जैसे दोनों नंबर्स को तीसरे नंबर के साथ कंपेयर किया जा रहा है, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, तीसरे, मतलब दोनों नंबर्स हैं वो तीसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आप तीसरे नंबर को 100 मान लो, तीसरे नंबर को क्या मान लो, 100 मान लो। अब यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता था कि ए है वो 20% और 50% मोर है, यहां पर बच्चों ने पता क्या किया होगा, बच्चों ने इसको 20 मान लिया होगा और इसको 50 मान लिया होगा, क्या ये सही है क्वेश्चन के हिसाब से या गलत है, पहले ये बताओ कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये गलत किया। Yes, ये गलत है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि 50% है, अगर 50% लिखा होता तो आप इस तरीके से ले लेते, अब 50% नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 50% मोर, अगर पहला नंबर इससे 20% ज्यादा है तो ये 100 है, 100 का 20% 20 तो 120 हो जाएगा, और बी है वो एक 50% 50% ज्यादा, इसका मतलब 100 का 50%
150, बस खत्म। इनकी रेशो पूछी है तो तीन से कैंसिल कर दो, 4:5, क्योंकि दो ही पूछा है ना, 4:5 यहां पे आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि पहले दो की पूछी है तो आप तीसरे को नहीं भी लोगे यहां पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4:5 आपका आंसर आ जाएगा, 4:5 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चे? तो बस ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि अगर लिखा हो 50% ऑफ 100, इसका मतलब होता है 50। अगर लिखा हुआ है 50% मोर ऑफ 100, तो 100 तो उसमें एडेड है ही, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 100 तो है ही प्लस 50, 150। ये कंसेप्ट काफी बार पेपर में पूछा जाता है और हम इग्नोर कर देते हैं, मतलब हमें लगता है फटाफट क्वेश्चन आता है तो बना देते हैं, ये गलती कर देते हैं। 50% ऑफ 100 लिखा हो तो इसका मतलब 50 आ जाएगा, ऑफ का मतलब गुणा होता है, आप लोगों को पता है, बट अगर लिखा हो मोर मोर तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 50% मोर तो आपका ये आंसर आना चाहिए। क्लियर है जी? अरे बोलो यार, इतने सुस्ती, एक घंटे में तुम्हारी सांस बाहर आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। क्वेश्चन है, कुछ अमाउंट है उसको ए बी सी और डी में एक पर्टिकुलर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 4 और 3, ठीक है, कुछ अमाउंट है, कुछ पैसा है, उसको चार लोगों में बांट दिया, अमाउंट है उसको 5, 2, 4, 3 लोगों में बांट दिया। इफ सी गेट्स, आगे पढ़ो, इफ सी गेट्स 2000 मोर देन डी, फाइंड द अमाउंट फॉर ऑल, सभी के हिस्से में कितना कितना पैसा आया ये बताना है, पेपर का क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है। बनाइए, आराम से टाइम लीजिए, बनाइए। मैंने टोटल नहीं पूछा बच्चे, सभी के हिस्से में कितना कितना पैसा आया वो पूछा है, कि जो सभी लोग हैं उनके हिस्से में कितना कितना पैसा आ रहा है ये पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि एक के हिस्से में कितना पैसा आया। दस हजार, 4000, 8000, 6, 10, 4, 8, 6, 10, 4, 8, 6, 10, 4, 8, 6, 10, 4, अबे इसको काटने मत बैठ जाना, ये अमाउंट है, रेशो नहीं पूछा बेटे, जिस जो काट के बता रहे हैं, इसको काटना नहीं है, अगर काट दिया तो अमाउंट कहां पे जाएगा। देखो ध्यान से सुनो, बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करो, मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं यहां पर लिखता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी और रेशो डी कितना है, इसके हिस्से में 5 रुपए आए होंगे, इसके हिस्से में 2 रुपए आए होंगे, और इसके हिस्से में 4 रुपए आए होंगे, और इसके हिस्से में 3 आए होंगे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप लोगों को क्या दे रखा है, एक बात आपको क्या बताई है कि जो सी है ना, ये जो सी है इसको डी से कितना ज्यादा मिला, 2000 ज्यादा मिला, बट क्वेश्चन के हिसाब से तो 1 यूनिट ज्यादा मिला, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो ए यूनिट, एक यूनिट है रेशियो के हिसाब से, अमाउंट के हिसाब से ये किसके बराबर है? 2000 रुपीज के बराबर है। किसके बराबर है? 2000 रुपए के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि अगर इसको एक यूनिट ज्यादा मिली है तो एक यूनिट ज्यादा नहीं मिली, 2000 रुपए ज्यादा मिली। बस बात खत्म। अगर एक यूनिट का मतलब 2000 है तो 5 का कितना हो जाएगा? गुणा 2000 मतलब 10000, 2 का मतलब गुणा 2000 4000, 4 यूनिट का मतलब गुणा 2000 मतलब 8000 और 3 का मतलब गुणा 2000 6000। अब अगर सभी का पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? ऐड करने बैठोगे? नहीं, पागलों वाली का बात नहीं करनी, डायरेक्ट देखो 7 4 11 12 13 14 14 को गुणा करेंगे किसके साथ? 2000 28000। कितना आ जाएगा? 28000 हमारा टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28000। बताइए मजा आ रहा पढ़ के? यार थोड़ा फीडबैक में थोड़ा रौनक दिखाओ, घर पे ही बोल सकते हो, यहां पे मना किया तुम्हें बोलने को, घर पे तो सारा दिन पटर 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 करते रहते हो, यहां पे एकदम सुन्न से हो जाते हो, पता नहीं सर्दी लग जाती है मेरी क्लास में आके तुम्हें। मजा आ रहा पढ़ के? रेशो की जितने कंसेप्ट आप तो अभी तक करवाए हैं सारे समझ आ गए, पड़ोसी मेथड से लेकर यहां तक पहुंच चुके हैं, आधी से ज्यादा कंसेप्ट मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अब ऐड करने वाला तो किया था, अब एक माइनस वाला भी कर लेते हैं, माइनस वाला कर लेते हैं। दो नंबर हैं, वो रेशो है 4:5, ठीक है, दो नंबर हैं, वो 4:5 की फॉर्म में है, दो नंबर हैं, वो 4:5 की फॉर्म में है। इफ ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय, इफ ईच नंबर नंबर इज रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड बाय 25, तो जो नई रेशो बनती है, जो नई रेशो बनती है वो कितनी बन जाएगी? द न्यू रेशो विल बिकम 3:4, 3:4। फाइंड द नंबर, ठीक है, अब प्लस वाले तो करवा दिए, अब माइनस वाले करते हैं। फाइंड द नंबर, प्लस वाले कर लिए, अब माइनस वाले करते हैं। अब निकालो इसको, ये वाले निकालने हैं, ये वाले, इसकी वैल्यू 4:5 की, मतलब सभी की निकाल दो, सभी की निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, वही तरीका जो पहले इस्तेमाल किया था, दो नंबर हैं, वो 4:5 की फॉर्म है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसमें नया करेंगे, अब इसमें से कुछ घटा दिया, घटा दिया, घटा दिया, कितना घटा दिया? 25 घटा दिया, यहां भी और यहां भी, दोनों में 25 घटा दिया, और जो नया रेशो बन गया वो कितना बन गया? 3:4। जब हमने देखा दूरियां कितनी है, क्या मैथ में भी दूरियां, दूरियां तो इतनी ही हैं, बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों में दूरियां बराबर हैं, तो इसका मतलब ये जो एक यूनिट है वो किसके बराबर है? 25 के बराबर है, एक यूनिट 25 के बराबर है, तो 4 × 25 माने 100, 5 × 25 माने 125, 3 × 25 माने 75, 4 × 25 माने 100। ओह चलिए बन गया,
दिस इज द वे हाउ टू टैकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। पेपर में जाके यही हमें दिक्कत देने लगते हैं, बोलते सर ये तो आता ही नहीं था, मुझे खुद नहीं आता। बन गया। चलिए अभी एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय पानी पी लीजिए, ठीक है, नहाना है किसी को नहा लीजिए, किसी रिश्तेदार के घर जाके मिलके आना तो आ जाइए फटाफट, एक मिनट में कर लो सारा कुछ, ठीक है। देखिए आंसर अगर तो पूछा जाए कि पहले कितने थे तो ये आएगा, और अगर पूछा जाए फाइंड द नंबर्स, अगर न्यू नंबर पूछा जाए कि नए नंबर कितने हैं तो ये वाले आएंगे, और अगर पूछा जाए कि स्टार्टिंग में कौन से है तो ये आएंगे, ठीक है, ये वाले। देखिए ब्लड रिलेशन भी करवा दूंगा, इतने कमेंट करके अपना ब्लड प्रेशर ना हाई करिए, ठीक है, करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलिए अब हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। अब हम पढ़ेंगे दो घंटे परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज एक लेंथी टॉपिक है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, और ये बहुत सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलिए परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो पर प्लस सेंट मतलब किसी वैल्यू को 100 के बेस के साथ कंपेयर करना, किसी वैल्यू को 100 के साथ क्या करना, कंपेयर करना, कि 100 वैल्यू के साथ कंपेयर करना। जैसे मैं बोल दूं कि आप पे 50% नंबर आए हैं, अब ये जो 50% है वो किसमें से, 100 में से, मतलब आधा आया, यही मतलब होता है ना परसेंटेज का, मतलब कि भाई मेरे 50% नंबर आए हैं, तो ये 50% किसका मतलब, मतलब 100 के बेस को कंपेयर करेंगे तो ये 50% मेरे नंबर आए, ये बात बोलने की बात की हो रही, ठीक है जी, ये वाला क्लियर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा हम इसको बेसिक सी चीजें करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके काफी सारे, जैसे हमने परसेंटेज के रेशियो के किए हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 20%, इसको मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं, 1/5, राइट, किसी को इसमें कोई डाउट? 20% का मतलब होता है 1/5। अब किसी को नहीं पता 1/5 कैसे आया, तो 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, 0.015। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वैसे मैं बोलूंगा नहीं ऐसा, आपको याद होना चाहिए 1/5 है। अब इसका जो बेस है वो परसेंटेज है, और इसका जो बेस है आप उसको बोल सकते हो कि हम फ्रैक्शन के हिसाब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, फ्रैक्शन। अब इसमें एक चीज सीख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे कैसे। देखो अगर ये 20 है 100 का हिस्सा, तो इसका जो बेस है वो क्या है, 100, मतलब 100 का 20%, और फ्रैक्शन का जो बेस होता है वो 1, मतलब 1 का 1/5%। पहले ये समझ लीजिए, अब इसको ऐसे समझो, जैसे मैं लिखता हूं कि ये जो वैल्यू है ना पूरी यहां से लेके यहां तक, ये 100% है, और यही वैल्यू जो यहां पे है वो 1 है। 100% मतलब अगर मेरा परसेंट बेस है, अगर जो मेरा बेस है वो परसेंटेज है,
तो वो 100% है, बट अगर मेरा बेस फ्रैक्शन है तो वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो एक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, काट दूं, तो ये कितना बन जाएगा, 50%, 50%, ठीक है जी। दो बराबर टुकड़े कर दिए तो एक 50% यहां पे आ गया, एक 50% यहां पे आ गया, और वहीं पे अगर इसके भी दो टुकड़े हो जाएं, तो एक के दो टुकड़े माने 1/2, 1/2, और यही 1/2 है वो किसके बराबर होता है, 50%। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फ्रैक्शन और रेशियो के क्वेश्चन बहुत फटाफट आप बना लोगे, फ्रैक्शन के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन आप बहुत चुटकियों में बना लोगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया कि किस तरीके से जो 100 का बेस परसेंटेज में होता है वही 1 का बेस फ्रैक्शन में होता है, वही 1 का बेस किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है। बात समझ में आया, क्लियर है जी। अब ये तो पता चल गया सर, यहां पर परसेंटेज है, यहां पर फ्रैक्शन है, परसेंटेज है 20, फ्रैक्शन है 1/5। अब किसी नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हो, ध्यान से समझ लीजिए, किसी नंबर को परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना हो तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, मतलब 20% था तो 20/100 करेंगे तो अपने आप 1/5 आ जाएगा। बहुत सिंपल बात, किसी को मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है, डिवाइड कर देंगे, सिंपल बात है, परसेंटेज लिखा हुआ है तो नीचे परसेंटेज डाल देंगे, 1/5 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो गुणा 100 कर देते हैं। कैसे, 1/5 × 100, दैट इज 20%। बात समझ में आई बच्चे, किसी को इस बात में कोई डाउट, बस मतलब पेपर में याद नहीं करना कि सर गुणा करनी थी, डिवाइड करनी थी, भूल गए, नो, ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट हां इसके बिना पेपर में क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, ये समझ लीजिए। ऑल क्लियर, नो दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं और कुछ परसेंटेज वैल्यू लिखते हैं फटाफट से मिलके। देखो, एक किसके बराबर होता है, 100%, एक का आधा 1/2, 50%, एक का तीसरा हिस्सा 33 / 1/3%, एक का चौथा हिस्सा 25%, एक का पांचवा हिस्सा 20%, एक का छठा हिस्सा 16/2/3%। पहले सिर्फ नोट कर लो, ठीक है, फिर समझाता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या है। 1/7 का मतलब 14/2/7%, 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%, 12/1/2%, 12/1/2%, 1/9 का हिस्सा मतलब होता है 11/1/9%, 11/1/9%, और 1/10 का मतलब होता है 10%। वहीं पर अगर 1/11 की बात करें तो 9/1/11%, 1/12 का मतलब होता है 8/1/3%,
यहां तक याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर एक बटे पांच था, देखो एक बटे पांच 20% हुआ, तो दो बटे पांच कितना हुआ 40%, तीन बटे पांच कितना हुआ 60%, चार बटे पांच कितना हुआ 80%, और तीन बटे चार किसके बराबर होता है 75%। पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए और अपनी कॉपी पे इसको लिख लीजिए फटाफट से। ये फ्रैक्शन का टेबल है, आप इसको लिख लीजिए। फटाफट से इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, क्योंकि अब इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। ये बहुत काम की चीज है, समझ रहे हो ना। ये एक वो ऐसा होता है ना, एक सेंट्रल की होती है। सेंट्रल की का मतलब क्या होता है, जिससे सारे लॉ खुल जाते हैं। ये वही है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना, अगर आपको लगता है कि यार ये तो बात बन गई है, तो इसको बेस बना के कैसा भी क्वेश्चन आए आप चुटकियों में बना लोगे। पहले आप इसको लिख लीजिए जी, इसको याद करना पड़ेगा। याद करना क्या यार, याद हो जाएगा। यस, ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ये आपका ब्रह्मास्त्र है। चलिए देखो, अब इसकी एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने लिखा एक बटे चार किसके बराबर है 25% के बराबर है। प्लीज ये चीज बहुत ध्यान से समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझ लिया तो फ्रैक्शन को बेस बना के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप उसको निकाल लोगे, आप उसको बड़ी आसानी से निकाल लोगे। एक बटे चार का मतलब होता है 25%, एक बटे चार का मतलब होगा 25%। अब दिमाग में क्या याद रखना है कि ये जो डिनोमिनेटर होता है ये अपने आप का 100% होता है। याद रखिए, जो डिनोमिनेटर होगा वो अपने आप का 100% होता है। पहले ये दिमाग में रखो, जो डिनोमिनेटर होता है वो अपने आप का 100% होता है, और ये जो एक है वो इसका कितने प्रतिशत है 25% है। यही इक्वेशन कहने की कोशिश कर रही है, बस और कुछ नहीं था। इशारे कर रही थी, हिंट दे रही थी, समझ नहीं आया, मैंने समझा दिया, अब हिंट भी ना देगी। कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो चार है वो 100% के बराबर है और जो एक है वो 25% के बराबर है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का बेस यही है। यहां से बड़े क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने ये चीज समझ ली। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी नंबर का 25% 100 है, 100 है, किसी नंबर का 25% 100 है, फाइंड द नंबर, निकालो, फाइंड द नंबर। कोई नंबर है मुझे नहीं पता, उसका जो 25% है वो 100 है, तो नंबर कितना हुआ निकालो। यहां से अच्छे से समझ आएगा ये, ठीक है, ये कंसेप्ट है, यहां से अच्छे से समझ आएगा। यस, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि अगर 25% का मतलब 100 है तो 100% कितना होगा, 25 का कितने गुणा होता है 100, 4, तो ये 100% हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, और ये भी अपने आप का 4 गुणा हो जाएगा, जो हमने अभी सीखा था, जो हमने अभी सीखा था। ये तो एक अलग कंसेप्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, 25 का मतलब क्या होता है 1/4, 25 का मतलब क्या होता है 1/4, तो ये जो 4 है
अगर वो 100% है तो एक किसके बराबर है, एक 25% है, तो 25 अगर 100 के बराबर होगा तो ये जो 100 की वैल्यू आएगी वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यही बेसिक कंसेप्ट था जो मुझे आप लोगों को समझाना था। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। क्लियर है, ये तो बच्चों वाला कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। हां, यहां पर ना एक साइड पे एक चीज नोट करो, हम मैथ में ना कुछ अज्यूम करते हैं, हम कुछ अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करते हैं? हम अज्यूम करते हैं कि इट इज 100। हम किसको अज्यूम करते हैं? याद रखिए, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है, 100% भी बोल सकते हो। एक्सपेंडिचर को आप 100% मानते हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो 100% होती है, और साथ में जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। ये क्यों बता रहा हूं, ये आपको आगे जाके समझ आएगा, ये आपको आगे जाके समझ आएगा कि ये मैंने क्यों लिखा है यहां पे। ठीक है जी, जो डिनोमिनेटर होगा वो भी अपने आप का 100% होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा उसको भी 100% मानेंगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी उसको भी 100% मानेंगे, और जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको भी 100% मानेंगे। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। कंसेप्ट वही है, किसी चीज का एसपी है वो कितना है, वो 7700 है, उस पर जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो कितना हुआ है, 16/2/3%। तो कॉस्ट प्राइस निकालो कितना होगा, फटाफट जल्दी। जिसको समझ आया अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको बनाइए फटाफट। चलिए बनाइए, ज्यादातर बच्चों का बन गया होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आपके सामने ऐसे फ्रैक्शन परसेंटेज दे रखी हो ना, तो आप इसकी फ्रैक्शन देखो, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको पता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। अब जो पूरी गेम चलेगी ना वो इस 1/6 पे ही चलेगी, पूरी गेम किस पे चलेगी, इस 1/6 पे चलेगी। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, 1/6 का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो 6 है वो अपने आप का 100% है, और आपको ये भी पता है कि सीपी भी 100% होता है, तो ये जो 6 है वो सीपी है, दिस सीपी, और ये प्रॉफिट हुआ 16/2/3। अब ये जो 1 है ये इसका 16/2/3% है, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द प्रॉफिट। अब अगर सीपी आपका 6 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी क्या होगा, कितने पे बेचा होगा, आप बोलोगे सर 7 पे बेचा होगा, बस ये इक्वेशन करनी थी, यही इक्वेशन। अब देखो यार ये तो बच्चों वाली बात हो जाएगी ना, मतलब अगर मैं 100 रुपए की चीज लेके आया और मैंने 150 में बेची, तो इसका मतलब 50 रुपए मुझे क्या हुआ, उस पर प्रॉफिट हुआ। वही चीज है, 6 रुपए की चीज खरीदी, 1 रुपए प्रॉफिट एड करके बेच दी 7 रुपए की, और एसपी कितना दे रखा है, 7700, मतलब इसकी वैल्यू 7700 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1100, तो ये भी अपने आप का 1100 हो जाएगा, दैट इज 6600 इज द राइट आंसर। ये एप्लीकेशन है परसेंटेज की, ये एप्लीकेशन है रेशो फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन से बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुटकियों में बनते हैं, बस ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा, पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर,
चलो एक और क्वेश्चन करो, इसी से मिलता जुलता ऐसे करो, एक और क्वेश्चन करो। एसपी है, किसी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 6400 है। अब इसमें आपको लॉस हो गया, जो लॉस परसेंट हुआ वो कितना हुआ, वो 11 सही 1/9% हो गया। ठीक है, मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूं, 1/9 होती है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट प्राइस से कम होगा, कॉस्ट प्राइस से कम होगा। देखिए, अगर स्क्रीन ब्लर दिख रही है तो प्लीज रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक हो जाएगा। देखो सेम वही चीज है। अब ये जो 1/9 है, इसी की एप्लीकेशन है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर ये 1/9 है तो ये जो 9 है ये अपने आप का 100% है और कॉस्ट प्राइस 100% होता है। इसका मतलब ये सीपी है। अगर किसी प्रोडक्ट का सीपी 9 है और उस पर लॉस कितना हो रहा है, 1 यूनिट का, अगर लॉस 1 यूनिट का हो रहा है तो अब एसपी क्या आएगा, लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे, एसपी 8 आ जाएगा। एसपी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और एसपी दिया कितना हुआ है, 6400, मतलब 8 का मतलब 6400 है, जो कि इसका 800 टाइम्स है। तो ये भी अपने आप का 800 टाइम्स हो जाएगा, दैट 7200। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज थी वो 7200 की थी, कोई चीज थी वो 7200 की थी, बट हमने उसको 64 में बेच दिया। इसका मतलब हमें लॉस हुआ, हमें घाटा पड़ा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा ही कुछ हुआ भाई, ऐसा ही कुछ हुआ। 7200 की चीज को 64 रुपए में बेच दिया। सिंपल, बस आपने ना ये जो नंबर होता है ना, बस इसको ध्यान में रखना है कि अच्छा यार ये क्या कह रहा है, ये वाला नंबर एक्चुअली में क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा दिमाग में सोचना। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिख रहा हूं, इफ वी ऐड 16:3% ऑफ अ नंबर इन इट सेल्फ इट बिकम्स 770। फाइंड द नंबर, 770 बन जाता है, नंबर बता दीजिए। ये जो क्लास में बाथरूम सिंगर आ रहे हैं ना, चुप हो जाओ, नहीं तो वही बाथरूम में लॉक लगा दूंगा। चुपचाप क्वेश्चन सॉल्व करो। देखिए, अब इसको ध्यान से समझ लो, आपको यहां पे ध्यान देना है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही नजर आती थी ना, तो जब आपके सामने परसेंटेज या फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने डायरेक्ट बस फ्रैक्शन पे पहुंचना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, सर 1/6 होता है। तो क्या हुआ, अब उसने बोला किसी नंबर का, अब किसका माने, तो भाई इसी को 100% मान लो ना, क्योंकि इसी का तो 16 से 2/3% हमें पता है ये होता है। तो हम नंबर मान लिया कि 6 होगा, नंबर मान लिया कि 6 होगा, उसमें उसका 16 से 2/3 ऐड किया, xy लेने की जगह उस नंबर को ही मान लो ना, क्योंकि आपको पता है।
तो बस इसमें उसका 16 से ही 2/3% कितना होता है, एक, एक ऐड किया तो सात मिला, सात मिला मतलब किसी का साथ मिला, किसी का साथ मिला तो 770 मिला, 770 मिला तो ये इसका कितने परसेंट है, कितने गुणा है, 110 गुणा, 110 तो ये भी अपने आप का 110 गुणा हो जाएगा 660। ऐसे बनाना है, दिस शुड बी योर अप्रोच। क्लियर हुआ जी? कोई नहीं कोई नहीं बेटे, ले लो मजे, पेपर से एक दिन पहले मिलूंगा तुम्हें, पेपर से एक दिन पहले मिलूंगा, अभी तुम लो मजे जितने लेने हैं। हाँ मैं अपनी भांजी की रीस कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए। इफ वी सब्सट्रैक्ट, इफ वी, अब माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट 14/2/7 ऑफ अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, इटसेल्फ वी गेट, वी गेट 2400। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर निकालिए। सर आवाज काफी ब्लर आती है यार, आवाज कब से ब्लर होने लगी मेरे को यह बताना जरा, मैं हैरान हूं इस बात को सुनकर, सर आवाज ब्लर आ रही है। अब कल बोलोगे सर कभी हमारे घर आइए खाना खाने, ऐसा बोलोगे ना, ये थोड़ी बोलोगे सर कभी हमारे घर में आइए पानी खाने, पानी कैसे खाते हैं सर, बर्फ जमा के खिलाएंगे, ये अजीब सीन है तुम्हारा। क्या तेजस्वी लोग हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है। अब किसी नंबर में उसका, हम, हमें नंबर ही नहीं पता तो हम नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर 7 होगा, उसमें से उसका 14 से ही 2/3% रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है कितना मतलब, एक को रिड्यूस करना है, माइनस एक करना है तो 6 आएगा, और इस 6 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2400, इसका कितने गुणा, 6 × 24 = 20, तो 7 का भी 400 गुणा हो जाएगा, 7 × 28 = 20। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, बन गया। देखो दिस शुड बी योर अप्रोच, यही अप्रोच है वो पेपर में इस्तेमाल करनी है। है ना, चलो अगला बनाओ। एक ऐसा फ्रैक्शन के 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद आगे शिफ्ट करते हैं। इफ वी सब्सट्रैक्ट 11 1/9%, 1/9 होता है, ऑफ 8100 फ्रॉम इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। ये तो बहुत ही आसान है, फाइंड द नंबर, नंबर पता करो। सर थक गए। अरे भाई तुम बैठे बैठे थक गए, मैं 2 घंटे से यहां पे खड़े होके पढ़ा रहा हूं आपको, पढ़ो चुपचाप। 3 घंटे मतलब 3 घंटे,
चलिए देखो, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या होता है एक बटे नौ। अरे नंबर ही दे दिया इसका, 8100 कितना होता है 900, फिर 81 में से माइनस कर दीजिए 972, 7200 इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, डायरेक्ट आंसर आ रहा था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए अब अगला बनाओ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इफ वी एट 550 इन 37.1/2% इन अ नंबर, वी गेट द सेम नंबर अगेन। फाइंड द नंबर। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन कैसे आएगी। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। 37 सही 1/2% का मतलब क्या हुआ? देखो 37 को 2 गुणा किया, 75/2%। ठीक है जी, ध्यान से समझना। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आती या फ्रैक्शन आपको याद नहीं है, अब 75/2% आ गया तो इस परसेंटेज को यहां से हटा दोगे, ये यहां पे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे 25 से, 3/8, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/8। This is the way how to find out the fraction. अगर आपको नहीं आता तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। 3/8, 880 इज द राइट आंसर। अच्छा पक्की बात है? कसम खाओ, ऐसे नहीं, कसम खा के बोलो, बिना कसम खाए बोलोगे तो मैं ना मानूंगा। देखिए ध्यान से सुनो, अब ये आप लोगों को पता है 3/8 है, उसने बोला कि किसी नंबर का 37.12%, मतलब अगर वो नंबर 8 होता, वो नंबर दोबारा मिलेगा, हम 550 ऐड कर रहे हैं। 550 ऐड करने का मतलब क्या हुआ, किसमें, इसमें, मतलब 3 में हम 550 ऐड कर रहे हैं, दोबारा वही नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब हम इसमें 5 ऐड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि यहां पर 37.5% लिखा हुआ है, तो हम 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, 550 ऐड कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, 8, पहले वाला नंबर दोबारा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये 5, क्योंकि गैप है यहां पर कितने का है, 5 का, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये किसके बराबर है, ये 550 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, 110, और जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 × 110, दैट इज 880, 880 सही आंसर हो जाएगा। गैप देखना था, ठीक है, आसानी से बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस ये कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जितना है उतना लगाओ यार, ज्यादा क्या कर, जितना तुम्हारे पास है उतना लगाओ। चलिए ये तो हो गया आपकी फ्रैक्शन की गेम, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक कंसेप्ट है उसको बेस क्वेश्चन भी है, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इफ द सैलरी ऑफ ए इज
16:2/3% less than b by how much percent does B's salary more than A बनाओ। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सर ब्रेक दे दीजिए, सांस लेना है। वाह, तुम्हारे रामदेव के बड़े चेले, सांस अंदर बाहर करो, सांस ही नहीं ले रहे हो पिछले 2 घंटे से। अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखे तुमने तो। सर सांस लेने के लिए ब्रेक दे दो। वाह, पानी के लिए मांगा सोना था, सांस लेने के लिए ब्रेक दे दो। वाह बेटा वाह, इतने तेजस्वी लोग हैं। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अद्भुत, अविश्वनीय, अलौकिक, अचंभित। देखो अब यहां पर ध्यान से समझ लो, ये ए है और ये बी है। पहले ये देखो कितना है, ये 1/6 है और ये लेस है। दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। उसने बोला कि जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी से इतनी कम है, तो अगर 1/6 है, एक की सैलरी कम है तो इसकी तो पूरी है ना, तो ये बी ये अपने आप का 100% है। इसका मतलब इसके पास 6 रुपए होंगे और इसके पास एक कम होगा, एक कम होने का मतलब इसके पास 5 रुपए होंगे। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन फ्रेम करने में किसी को कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि उसकी सैलरी तो पूरी है ना, बी की थोड़ी ना कम है, बी से ए की कम है, तो बी की तो पूरी है, ए की कम है। ए की कितनी कम है? 16:2/3% कम है। यहां तक आ गया। अब क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा घुमा दिया, उसने बोला कि जो बी की सैलरी है, अब ये जो है वो इससे कितनी ज्यादा है। पहले तो देखो गैप 1 का है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, हमें ये वाली वैल्यू देखनी है कि ये इसका कितने परसेंट ज्यादा है। हमेशा याद रखिए, जिसके कंपैरिजन में बात की जाती है, जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। इसका मतलब उसकी सैलरी कितने परसेंट ज्यादा है? 20% ज्यादा है। मैंने क्या बोला, जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, और आप कंफ्यूज होते हो कि सर कौन सी डिनोमिनेटर होगी, कौन सी न्यूमिनेटर आगी, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है और मोस्टली केसेस में जिसमें के साथ ऑफ या देन लगा हुआ होता है, या डायरेक्टली जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, वो वैल्यू आपकी डिनोमिनेटर में आती है। क्यों? क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं। सुपोज करो, ठीक है, ये आप हो टेढ़ा है पर मेरा है, और ये आपका दोस्त है, ज्यादा ही खुश है। अब आपकी जो एज है वो 10 है, सपोज करो आपके पास 100 रुपए हैं, इसके पास 500 रुपए हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि आपके दोस्त के पास, इसके पास आपसे कितने परसेंट ज्यादा है, मतलब इसके पास आपसे कितने परसेंट ज्यादा है, आंसर दीजिए।
बताइए, परसेंटेज में बताना है। सर आपकी ड्राइंग कितनी बेकार है। पिकासो के बाद अगर कोई किसी की ड्राइंग के बारे में बात हुई है तो सिर्फ मेरी बात हुई है और किसी की नहीं हुई। आपको पता ही नहीं है, नए स्टूडेंट लगते हो आप मुझे। यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए गैप तो वही रहेगा, गैप तो रहेगा 400। अब जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। कंपेयर किसके साथ करना है? इसके साथ, ये जो बिंगा टेढ़ा सा है। तो इसका मतलब नीचे ये आएगा, तो आंसर क्या होएगा कि आपकी सैलरी या आपके पास जो पैसा है वो उससे 400% ज्यादा है। सर मेरा दोस्त गरीब है, डोनेशन के लिए आए हो क्या? अब ये तो पहली बात आ गई। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा दूं कि जो आप हो, ठीक है, ये हो आपकी जो अर्निंग है या जो आपके पास पैसा है वो इससे कितने प्रतिशत कम है, अब ये निकालो। अब ये तो निकालिए इसके पास आपसे कितना ज्यादा है, अब आप ये निकालो कि आपके पास इससे कितना कम है, ये निकालना है। है ना, वो एक कंजूस आदमी था ना, उसके घर में ना लोग चंदा के लिए आ गए, बोले साहब जी चंदा चाहिए। बोला क्या कर रहे हो? बोला स्विमिंग पूल बना रहे हैं, उसके लिए कुछ दीजिए। अपने नौकर को बोला जा यार टब में से 2 बाल्टी भर के दे दे इनको। अब इसको ध्यान से समझो, गैप उतना ही रहेगा, गैप उतना ही रहेगा। गैप कितना रहेगा? 400 का ही रहेगा, क्योंकि 400 कम है। बट कंपेयर किसके साथ करेंगे? 500 के साथ। तो 4/5 माने 80%। उसकी जो सैलरी, उसकी जो इनकम है वो आपसे 400 गुना ज्यादा है, बट आपकी कितनी कम है? आपकी उससे कितनी कम है? 80% कम है। सिंपल क्यों? क्योंकि गैप तो उतना ही रहेगा ना, 400 कम है। किससे कम है? इस वाले से, ये गोल गोल से। तो इसके बेसिस पे आप आंसर, बस ये थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, बस वो थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बनाइए कुछ इसी तरीके से। P is six times as large as Q. P is six times as large as Q by how much percent Q is less than? By how much percent Q is less than P? अब इसमें भी वही कंसेप्ट है, अब इसमें भी वही कंसेप्ट है जो आपने इस्तेमाल करना है। बनाइए, बनाइए। इसका आंसर दीजिए।
अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर P है, यहां पर Q है। किसकी बात हो रही है? P और Q की बात हो रही है कि ये कितना इससे ज्यादा है। P is 6 times as large as Q, तो मतलब Q अगर 1 होगा तो ये 6 होगा। सिंपल, ये 1 है तो ये 6 होगा, ये 6 है, सॉरी 1 है तो ये 6 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बाय हाउ मच परसेंट Q इज लेस। पहले तो गैप देखो, 5 है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, कंपेयर इसके साथ करना है। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 5.6, जो कि कितना होता है? 83.333%। दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर जी? बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत? बन गया? अब देखिए यहां पर एक और चीज जो काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आई होगी कि सर ये जो 5/6 है आपको कैसे पता लगा कि 83.33% है? देखो आप इसको बहुत ध्यान से समझना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है। देखो जब आप इसको देखते हो ना, एक्चुअली में 5/6 ना देखो, इसको ऐसे समझो कि ये 1/6 है, उसको 5 से गुणा करनी है। और 1/6 आपको पता है कितना होता है? 16.3%। इसको 5 से गुणा करना है। जब कोई वैल्यू इस तरीके से दे रखी होती है, वो एक्चुअली में होती कैसे है? 16+2/3 ऐसे होती है। तो हमें भी इसको ऐसे गुणा कर देना है, 2/3 को 5 से गुणा कर देंगे। पहले 5 को 16 से गुणा करो, 16 × 5 = 80 प्लस फिर 5 को 2 से गुणा करो, 10 × 3। अब ये मिक्स फ्रैक्शन है तो कैसे करेंगे? 80+3 = 1/3, तो इसका मतलब 83.33%। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन। ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी। अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं सीखोगे तो डेफिनेटली पेपर में आपके आपको प्रॉब्लम होगा। मतलब ये चीजें ऐसा है कि अगर आप नहीं सीखोगे ना तो क्वेश्चन अगर आप बनाओगे ना तो फिर वही 2 मिनट लग जाएंगे बनाने में। बट अगर आपको ये आती है वैल्यू निकालनी तो फटाफट से ऐसे चुटकियों में निकालोगे। क्लियर? राइट? चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन आपको देता हूं ये वाला। नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। देखिए हमने कंसेप्ट समझा था कि ए रेशो बी, बी रेशो सी और सी रेशो डी, कि ये 2:3 है, ये 3:4 है, ये 4:5 है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि ए रेशो डी पता करो, निकालो ए रेशो डी निकालो, क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें सिर्फ ए और डी की रेशियो निकालनी है।
देखिए क्या बोला था मैंने कि जो इस साइड के नंबर होते हैं, जो इस साइड के नंबर होते हैं वो यहां पे आएंगे, मतलब चार तीय 12 × 2 = 24, वो एक ही वैल्यू होगी, और 5 × 4 = 20 × 60 तो वो इसकी वैल्यू आएगी, और इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। देखो एक और चीज याद रखना, जब सिर्फ आमने सामने वाले नंबर की बात हो रही है ना, तो आप इसको यहां पे कैंसिल भी कर सकते थे, ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल, ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ जा सकती थी, 2:5। ये सिर्फ आमने सामने के केस में होता है, ठीक है, बाकी किसी केस में कैंसिल मत करने बैठ जाना, बाकी किसी केस में कैंसिल मत करने बैठ जाना, जब सिर्फ पूरी वैल्यू यहां वाली और पूरी वैल्यू यहां वाली, जब इसकी रेशियो पूछी होगी तब आप उसको क्या करोगे, कैंसिल करोगे, ठीक है, सिर्फ उस केस में कैंसिल करोगे, एज सच दूसरा नहीं कैंसिल कर सकते। अगर आपको पूछा जाए कि ए बी और सी की रेशियो निकालो, तब नहीं कैंसिल कर सकते पी की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है जी। मतलब याद रखेंगे, जब लेफ्ट वाली पूरी वैल्यू है और राइट वाली पूरी वैल्यू है, सिर्फ उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप इसको कैंसिल कर दोगे। अब इसी तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, देखिए ध्यान से सुनिए, ये बहुत ज्यादा, मतलब ये कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ये आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से सुनो। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 12 × 1/2% इन फर्स्ट ईयर एंड 33.13% इन सेकेंड ईयर, मतलब 2 साल में पॉपुलेशन अब इंक्रीज हुई है, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, मतलब चेंज होने के बाद, आफ्टर 2 ईयर द पॉपुलेशन बिकम 2700, बिकम्स 2700, फाइंड पॉपुलेशन इन स्टार्ट, इन स्टार्टिंग। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस फेवरेट क्वेश्चन है एनटीए का, अगर आपको यह समझ आ गया ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपने यह सीख लिया, क्योंकि अभी आने वाले 4-5 क्वेश्चन में यही करने वाला हूं, आने वाले 4-5 क्वेश्चन यही होने वाले हैं। चलिए देखो, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो ये देखो 12.5%, मतलब इस साइड पे लिखो 12 × 1/2%, 12.5% किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता सर, ये 1/8 के बराबर होता है, और 33 × 1/3% किसके बराबर होता है सर, 1/3% के बराबर होता है। पहले आपने ये लिख लेना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना आए, और फिर यह देखना कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों जगह पर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, दोनों जगह पे इंक्रीज हो रहा है, तो आपने यहां पे छोटा सा प्लस का साइन बना लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, यहां पे प्लस का साइन आ गया, यहां पे प्लस का साइन आ गया, दोनों जगह पे प्लस का साइन लिख लिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी। अब पहले पॉपुलेशन कितनी मानी है आपने, 8, कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 8 थी, और एक इंक्रीज होगी, मतलब 12.5% होगी, तो 8 से अगर एक बढ़ गई तो 9 हो गई, 8 से एक बढ़ गई मतलब 12.5% बढ़ गई तो 9 हो गई,
फिर अगली वैल्यू तीन है, मतलब ये समझ लीजिए कि फिर पॉपुलेशन तीन थी, तीन से 33.33 से एक बटे 3% बढ़ गई, मतलब एक बढ़ गई, तो एक बढ़ गई तो चार हो गई, ठीक है, क्या हो गई, चार हो गई। अब उसके बाद आपको मैंने क्या सिखाया था कि इस वाली को मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी जो स्टार्टिंग में थी, और इस वाली को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी जो लास्ट में है। तो अब और एक चीज यहां पे क्या सिखाई थी कि आप आमने सामने वाली वैल्यू को कैंसिल भी कर सकते हो, तो आप कैंसिल कर दो, देखो ये चार से गया दो पे, ये तीन से गया तीन पे, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन रही होगी वो दो थी और अब कितनी होगी, ये तीन, रेशो के हिसाब से, ठीक है जी, मतलब स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन रही होगी वो दो रही होगी और अब तीन हो गई है, बढ़ गई है, और क्वेश्चन के हिसाब से ये तो दो साल के बाद की पॉपुलेशन है, मतलब ये जो पॉपुलेशन है इसकी वैल्यू 2700 दे रखी है, ये इसका कितने टाइम्स है, 900, तो अगर ये 900 टाइम्स है तो स्टार्टिंग में भी 900 टाइम्स रही होगी, दैट मींस 1800 इज द राइट आंसर, बन गया, बताइए। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, हां, क्योंकि देखो ये पूरी वैल्यू थी और ये पूरी वैल्यू थी, जब इस तरीके से वैल्यू होती है ना तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को कैंसिल कर सकते हैं, इस वजह से मैंने आमने सामने वाली वैल्यू को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बस ऐसे करो और क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन को आपके हिसाब से फिर से बनाया जाता था, 100 मान लेंगे, फिर 12.5% बढ़ाएंगे, फिर 33 से 1/3% बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी अगर आप इसको परसेंटेज के बेस पे बनाओगे, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन बनाओ, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, जल्दी से बनाओ, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, किसी टाउन की पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 14.27% इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में इतनी इंक्रीज हुई, एंड 25% दोनों बार इंक्रीज हो रही है इन सेकेंड ईयर, ठीक है, आप दो क्वेश्चन कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज, सेकेंड ईयर, आफ्टर टू ईयर पॉपुलेशन इज 1400 आफ्टर टू ईयर्स पॉपुलेशन इज 4100, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन निकालो कि जो शुरुआत हुई थी उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन को निकालिए, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, एक मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, तब तक मैं यूपीएस ऑफ करके आता हूं। चलिए बनाइए, इसका आंसर दीजिए।
2870, ज्यादातर बच्चों का आंसर 2870। देखो ध्यान से सुनो, हमने मैंने आपको क्या बोला था, 14 से ही 2/3, 7 का परसेंट का मतलब क्या होता है 1/7, मतलब 1/7 है और वो इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने इसके साथ प्लस का साइन लगा दिया। फिर 25% से इंक्रीज हो रहा है, 25% का मतलब 1/4 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप ये मान लीजिए कि पहले पॉपुलेशन 7 रही होगी और 1 से बढ़ गई, अगर 1 से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 8 हो गई, 8 हो गई। पहले पॉपुलेशन 4 रही होगी, फिर 1 से बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसमें कुछ कैंसिल होता है, ये हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां पे 7 है और यहां पे 10 है, 7 और 10, यहां पे 7 है यहां पे 10 है। और उसने बोला कि जो पॉपुलेशन 2 साल के बाद है, ये जो 4100 है ना, वो इसकी वैल्यू है 4100, इसके कितना 410 टाइम्स, तो ये भी अपने आप का 410 टाइम हो जाएगा। अब देखो 410 से गुणा कैसे करेंगे, 400 से गुणा कर दो 2800 हो गया, 10 से गुणा करोगे 70 हो गया, तो 2870 हो गया, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से, अगर आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करोगे। यार तुम्हारे तो सांस ही ऐसा लग रहा है जैसे बंद हो चुकी है, तुम्हारा तो रिस्पांस ही नहीं आ रहा, इतनी जल्दी थक गए। ना आज तो मैं सोच के आया हूं, आज तो मैं सोच के आया हूं कि इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। यस, आज तो मैं सोच के आया हूं कि आज आपको ना बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे पढ़ानी हैं। चलिए एक और कंसेप्ट सीखते हैं। अब पर्सन लॉसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अ पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बेट, मतलब पहली बाजी में हार गया, मनी इन फर्स्ट बेट, 75% ऑफ रिमेनिंग इन सेकेंड बेट एंड 75% ऑफ रिमेनिंग इन फाइनल बेट। उसके बाद भाई घर आ गया 2 रुपए लेके, रिटर्न्ड होम विद 2 रुपए का सिक्का तो ये निकालो कि स्टार्टिंग में कितने पैसे लेके गया था वो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। 2 रुपए का सिक्का ऐसे बोलता, अपनी किस्मत का सिक्का तो उछल गया। चलिए आंसर दीजिए। देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो जो सबसे पहले आप लोगों ने अपने दिमाग में बात लेके आनी है या जो आपके माइंड में चीज आनी चाहिए, वो ना यहां पे कीवर्ड पढ़ना है आप लोगों ने।
क्या था कि पहले वो 75% हारा, उसके बाद जो आपने चीज ध्यान रखनी है वो है कीवर्ड। अगर इसमें रिमेनिंग लिखा हुआ है ना, रिमेनिंग लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, ये फिर उसी तरीके से बनेगा। अगर इसमें रिमेनिंग वर्ड लिखा हुआ है ना, मतलब कुछ पैसे खर्चे, फिर जो उसके बाद बचे उसको खर्चा, फिर उसके बाद बचे उसको खर्चा, जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो फिर वही तरीका आपका जो रेशियो वाला है वो अप्लाई हो जाएगा। बस कीवर्ड आपने ध्यान में रखना है कौन सा होना चाहिए, रिमेनिंग होना चाहिए। कीवर्ड क्या होना चाहिए, रिमेनिंग होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। चलिए अब उसी तरीके से बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनो, 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब क्या होता है, 3/4, 3/4 मतलब भाई के पास पहले 4 रुपए थे, एक हार गया तो 3 रह गए, दूसरी में भी 75 हारा, तीसरी में भी 75 हारा, मतलब तीनों बार 4 से 3 पे गया, 4 से 3 पे गया, और फिर हमने टोटल लगाया, 3 × 9 = 27 यहां पे आ गया, और चौकम चौकी 16 × 16 = 64 यहां पे आ गया, 64 यहां पे आ गया। गलत कर दिया कुछ, अच्छा अच्छा सॉरी गलत कर दिया, एक्चुअली इतना हारा है वो, ठीक है सॉरी मैंने 25% कर दिया, इतना हारा है वो, मतलब हर बार 3 माइनस होगा, हर बार 3 माइनस होगा, ठीक है क्योंकि 75% वो हार गया, सॉरी मिस्टेक हो गई थी, 3 तो इसका मतलब यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, तो यहां पर एक आ जाएगा, ठीक है जी, यहां पर एक आ जाएगा बिल्कुल। अरे हो जाता है यार, तुमसे बैठा नहीं जा रहा, मैं 2.5 घंटे से यहां पर खड़े होकर पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो असर हो जाता है, बट कोई बात नहीं, 3 घंटे बोला तो मतलब 3 घंटे पढ़ा के जाऊंगा, तुम्हारी सांस निकले तुम्हारा कुछ भी हो जाए बैठे रहो। और जब वो घर पे पहुंचा तो 2 रुपए का सिक्का लेके आया, ऐसे अपनी पत्नी को बोला ये देख 2 रुपए का सिक्का, पत्नी ने क्या कहा होगा तुम्हें पता ही है, और इस एक की वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, इसका मतलब भाई घर से ही 128 रुपए लेके गया था, घर से कितने पैसे लेके गया था, 128 लेके गया था, घर से ही 128 रुपए लेके गया था, और 75 मतलब देखने में तो ऐसे लगता ना 75% हार गया, 75% पर भाई घर से ही 128 लेके गया, 150 भी नहीं लेके गया, वो एक बंदा बोला यार पति तो ऐसी पत्नियों से डरते रहते हैं, मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल नहीं डरता, बोला अच्छा ऐसा है, बोला कैसे, बोला कुछ नहीं कल लड़ाई हो गई, तो बोला फिर सुलह सम्मति कैसे हुई, बोला कुछ नहीं घुटने लगवा दिए पत्नी के, बोला वो कैसे, बोला कुछ नहीं मैं तो बेड के नीचे छिप गया, वो घुटनों के बल मुझे बोल रही थी बाहर निकल बाहर निकल, तो मैंने बोला मैं नहीं निकल रहा। कुछ लोग इस तरीके से भी घुटने लगवा देते, अपना अपना तरीका है हर किसी का। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ए गिव्स 33.1% ऑफ हिज इनकम टू बी एंड स्पेंड 50% ऑफ रिमेनिंग परसेंट ऑफ रिमेनिंग मनी ऑन क्लॉथ्स एंड लेफ्ट विद 1217, 1270 रुपए बचे, फाइंड हिज इनकम, उसकी स्टार्टिंग की इनकम बताइए कितनी थी, फाइंड हिज इनकम बताइए।
अगर रिमेनिंग नहीं दिया तो उस तरीके के क्वेश्चन भी करवाता हूं, पहले रिमेनिंग वाले कर लो, पहले एक तरीके के क्वेश्चन कर लो। चलिए निकालिए इसका आंसर 3810। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है 3810, 3810। पक्की बात है, नाचने की क्या जरूरत है। बोला दिल मांग लेती तो दे देते, उसने तो किडनी मांग ली कि आईफोन चाहिए। चलिए देखो, अब इस क्वेश्चन में भी हमने यही चीज देखा था कि पहले उसने अपनी इनकम का इतना पैसा दे दिया, फर्स्ट पॉइंट पे रिमेनिंग नहीं होता क्योंकि वो टोटल का पार्ट होता है। उसके बाद देखना है 50% ऑफ रिमेनिंग, ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना, ये पॉइंट उन्होंने आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो देख लो बस, 33 सही, 1/3% का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे सर 1/3 होता है, मतलब उसके पास पहले 3 रुपए थे और उसने एक खर्च दिया तो उसके पास कितने रह गए? 2 रह गए। उसके पास कितने रह गए? 2 रह गए। और फिर 50%, 50% कितना होता है सर? 1/2 होता है। फिर उसके पास 2 रुपए थे, उसके बाद 1 रह गया। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, ये तो कैंसल हो गए, तो स्टार्टिंग में बहन जी के पास या भाई के पास 3 रुपए थे और अब 1 रुपए रह गया, बट उन्होंने बोला कि अब 1 नहीं 1270 रह गए, 1270 रह गए। तो एक यूनिट की वैल्यू 1270 है, तो 3 की 1270 के साथ गुणा कर दो। कैसे करोगे? पहले इसको 1200 से गुणा कर दो, 3600, और फिर 3 को 70 से 210, 3600 + 210 दैट इज 3810 बन गया। बताइए फटाफट, जल्दी फटाफट। बन गया। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही बात देखनी होती है कि यहां पर रिमेनिंग लिखा हुआ है या नहीं। अगर रिमेनिंग लिखा हुआ है तो आप उसका आंसर इस तरीके से बनाओगे, अगर रिमेनिंग नहीं लिखा हुआ तो फिर आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है जी, चलो अभी 1 मिनट का ब्रेक ले लो। आप लोगों के प्यार सदका हमने 2.5 घंटे पढ़ाई कर ली है, तो एक बार 1 मिनट का थोड़ा सा मौन रख लीजिए, है ना कि सर 2.5 घंटे हो गया, थोड़ा सांस लेने दीजिए। क्लास के बच्चे बोले कि सर सांस ही नहीं आ रही, तो मैं कौन सा ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहा हूं यहां पे। ले लो सांस, 1 मिनट का ब्रेक ले लो। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो की फीडबैक में मैसेज डाल के जाना। चलिए, अब एक क्वेश्चन और है जो इसी से मिलता जुलता है बट उसमें कुछ नया है। चलो 1 मिनट का ब्रेक भी है, अरे मेरे को पता नहीं चलता ना, ब्रेक में भी बोलना शुरू कर देता हूं। कोई नहीं कोई नहीं, आराम से। सर पनीर की सब्जी खा लो, देखो अगर ऐसी बातें करोगे फिर मैं 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, ऐसी बातें मत करो ठीक है। सर पनीर की सब्जी खा लो, अगर आपने एक बार ऐसा और बोला ना तो ये क्लास 9:30 बजे तक चला दूंगा।
सर भूख लग रही है तो मैं कौन सी तुम्हारी प्लेट छीन के भाग गया, खा लो। मतलब मेरे को ना यार क्लास में ना ये जब मैं कमेंट पढ़ता हूं ना तो मेरा खुद का बहुत मनोरंजन होता है। कुछ बोलते हैं कि सर पानी पीने जाना है, तो मैं कौन सा तुम्हारी घर की जो पानी वाली टूटी है उसको पकड़ के बैठा हूं कि ना पानी नहीं पीने दूंगा। अरे मैं अपने घर पे हूं, आप अपने घर पे हो, करो जो करना है, मेरे को बताने की क्या जरूरत है, ये बताइए जरा। जो जो करना होता कर लिया करो यार, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है बट उसमें एक नया कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। अ मैन स्पेंड्स, अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड एंड 5% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड डोनेट्स 120 रुपीज, ही इज लेफ्ट विथ 1400 फाइंड हिज इनकम। चलिए निकालिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो जब हमने शुरू किया था ना तो क्लास में 1100 बच्चे थे और अभी कितने हैं, अभी 600 बच्चे हैं। लेट सी जब मैं क्लास एंड करूंगा तो कितने बच्चे रहते हैं। चलिए आंसर दीजिए। कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था, हम तो ढीठ हैं हम तो रहेंगे। बनाइए 2000 2000 2000। मतलब क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो क्लास खत्म हो जाए ना उसके बाद भी नहीं जाते, मतलब वो ऐसी कैटेगरी के आते हैं ना जिनको धक्के मार के निकालना पड़ता है, क्लास खत्म होगी चले जाओ। मैं देखता हूं वो स्ट्रीम एंड करता हूं ना, थोड़ा टाइम हो जाता है कई बार 10-15 लगे हुए होते हैं चैट में, क्लास खत्म हो चुकी है चैट में लगे हुए हैं और मतलब बातें पता कैसी चल रही हैं। मैं आज टिफिन नहीं लेके आया, मैं आज बस्ता नहीं लेके आया, मेरे टिफिन का ध्यान रखना, मेरी जगह पे किसी को बैठने ना देना, मतलब अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। चलिए देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब यह समझ लीजिए पहले उसके पास 5 रुपए थे और उसने एक खर्च दिया तो उसके पास 4 रह गए, उसके बाद फिर 5%, 5% किसके बराबर होता है 1/20 के बराबर, क्योंकि 20 × 5 = 100, तो फिर उसके पास 20 रुपए बचे, उसमें से उसने एक और खर्च दिया तो कितने रह गए, 19 रह गए। इसको काटा 5 से, 25 और ये 19, यहां तक सब बच्चों का बन गया होगा, अब यहां पर एक दिक्कत आ जाएगी कि सर क्या 19 की वैल्यू 1400 है, यस और नो, ये बताइए क्या 19 की वैल्यू 1400 है या नहीं। यस और नो,
आंसर ये देना आपने, क्या 19 की वैल्यू 1400 है या कुछ और है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हां, जबकि गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस लास्ट लाइन को पढ़ते हो ना, डोनेट्स मतलब उसने 120 रुपए डोनेट कर दिए जो कि यहां पे होने चाहिए थे, मतलब 1520 रुपए थे उसके पास जब ये वाली वैल्यू आई थी। क्लियर? 19 के हिसाब से उसके पास ये थी 1520, और ये कितने टाइम्स होता है अगर आपको टेबल आता है तो आपको पता है कि 80 टाइम्स है, इट इज 80 टाइम्स। तो ये भी अपने आप का 80 टाइम्स हो जाएगा। 2500 का 80 गुणा कितना हो जाएगा? 2000। 25 का 4 गुणा 1000 और 2000, 2000 इज द सही आंसर। बताइए बन गया? सो दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन एक और टाइप है, ठीक है, लास्ट टाइप करेंगे, इसके बाद आपको छुट्टी कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मन में गालियां मत देना, ठीक है, क्लास छोड़ के जाना, चले जाओ, बट अगर किसी ने मन में एक बार भी बोला ना कि सर दुखी कर दिया, फिर मैं एक घंटा और पढ़ाऊंगा, पहले बोल रहा हूं। नेक्स्ट टाइप है जो हम समझते हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एक और टाइप जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछी जाती है। एक्चुअली क्या है, देखिए कोई वैल्यू 100 है, 100 है, कंप्लीट वैल्यू आपको पता है, उसके अलग अलग पार्ट हो गए, मतलब ये आ गया 20, ये आ गया 40, ये आ गया 20, 4 2 6 2 8 और ये आ गया 20, मतलब हमें यहां पर एक कंप्लीट वैल्यू भी पता होगी और उसके कुछ टुकड़े भी दिए होंगे और उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये एक अलग टाइप है, ये एक तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का, ये क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है जो आप लोगों ने समझना है। क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं उसके बाद आपको ये समझ आएगा, ये एक अलग टाइप है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, अ शॉपकीपर परचेस्ड few articles at 7780 रुपीज। उसने कुछ सामान खरीदा, उसके लिए जो उसने पैसा दिया वो कितना दिया? वो 7780 दिया। ही सोल्ड 2/5 ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 13%, मतलब उसका जो 2/5 हिस्सा था उसने 13% पे क्या कर दिया? सेल कर दिया। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सेल remaining to get 19% overall profit, 19% overall profit। चलिए बनाइए, अगर नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है इस क्वेश्चन में, अरे पढ़ लो, तुम बातें करे जा रहे हो फालतू में, अपनी बातें बंद करो और क्लास पे आ जाओ चुपचाप।
देखिए अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे ना इस नंबर को देख के सोच रहे होंगे कि इसका क्या करें। देखिए आपको एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आपको सिर्फ परसेंटेज पूछा है तो वहां पर जो एक्चुअल नंबर होता है उसका कोई रोल नहीं होता। यह हमने पहले भी समझा है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की बात होती है वहां पर एक्चुअल नंबर का कोई रोल नहीं होता। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। उसके पास जो सामान है वो 2/5, मतलब उसके पास कोई सामान है उसका उसने 2/5 बेचा है, और हमने अभी क्या सीखा था कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो 100% होता है। सीखा था या नहीं सीखा था, मतलब टोटल हमें नहीं पता कि टोटल कितना होगा, बट हमें ये सीखा था कि ये 2/5 है वो उसका जो 5 होता है वो 100% होता है। तो इसका मतलब अगर उसके पास टोटल 5 ही आइटम्स थी उसमें से उसने जो 2 आइटम्स हैं उसको प्रॉफिट पे बेचा, कितने प्रॉफिट पे, 13% प्रॉफिट पे बेचा। पहले ऐसे लिखो, मतलब पहली 2 लिखे हुए ना, ये वाला 2 आइटम्स को उसने 13% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, रिमेनिंग रह गई 3। अब 3 को उसने कितने पे बेचा हमें नहीं पता, बट हां उसने बोला कि ओवरऑल उसे 19% का प्रॉफिट होना चाहिए। इसका मतलब पांचों को 19% के प्रॉफिट पे बेचेगा तो उसकी जेब में 95 रुपए आएंगे, उसकी जेब में 95 रुपए आएंगे। क्लियर? अब 95 कैसे आएंगे, 26 में से 95 माइनस किया तो 69। 3 को मैं कौन से नंबर के साथ गुणा करूं कि 69 आ जाए, 23%। यही आपका आंसर है। दिस इज द बेस्ट वे, एलिगेशन भी लगा सकते हो नो डाउट, बट दिस इज द बेस्ट वे। जब आपको इस तरीके से पार्ट्स में क्वेश्चन दे रखा हो और उसको निकालने की बात हो, बस गुणा किया है और कुछ नहीं है, जस्ट मल्टीप्लीकेशन की पूरी गेम है। एक और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसको देख के डर जाते हो कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, 95 कहां से आया, इसको गुणा किया ना 95 95, क्योंकि टोटल ओवरऑल 19% निकालना है ना, तो ओवरऑल तो तभी पता चलेगा जब दोनों को बेचेंगे, मतलब पांचों चीजों को बेचने पे 19% प्रॉफिट चाहिए। है ना? अभी एक और करो तो और अच्छे से समझ आएगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं। शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूं। उसने कुछ गुड्स खरीदी हैं, कितने रुपए की, 7,000 रुपए की उसने गुड्स खरीदी हैं। उसमें से उसने 2/7 को कितने प्रॉफिट पे सेल कर दिया, 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब उसने बोला कि उसे ओवरऑल जो प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल प्रॉफिट उसे कितना चाहिए, ओवरऑल उसे प्रॉफिट चाहिए 10%। तो जो रिमेनिंग है उसको कितने प्रॉफिट पे बेचेगा, ठीक है, फटाफट लिख दिया, अब आपको समझ आ ही गया है रिमेनिंग पार्ट है उसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे वो बेचेगा। सेम टू सेम जैसे अभी करवाया वैसा ही क्वेश्चन है। जल्दी निकालिए। बनाइए, डंडन हो गया। यस, देखिए ध्यान से सुनो, 2/7 का मतलब क्या हुआ कि टोटल 7 आइटम्स रही होंगी, जो 2 आइटम्स हैं उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा तो कितने पैसे कमाए,
₹30 कमा लिए, रिमेनिंग कितनी रह गई, 7 थी तो 5 रह गई। हमें नहीं पता कि इसको कितने पे बेचा और इससे कितने पैसे कमाए, बट हां हमें इतना जरूर पता है कि दोनों जो 7 आइटम्स थी उस पे उसको जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 10% होना चाहिए। तो इसका मतलब उसको टोटल ₹70 मिलने चाहिए अगर वो सारी आइटम्स को सेल कर देगा। जब वो सारी आइटम्स को सेल कर देगा तो उसे 70% ₹70 मिलने चाहिए। तो कितने हैं, 70 और 30 का गैप है 40, यहां पे कितना है 5, तो 5 को मैं किससे गुणा करूं कि 40 आ जाएगा, बोलोगे सर 8%, तो 8% इज द राइट आंसर, 8% आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपको पेपर में आपके तोते उड़ा देते हैं, जो पेपर में आ जाए तो आपके तोते उड़ जाते हैं, वैसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो एक और बनाओ। हां ये वाला देखो, इसमें इसको देखते हैं कितने बच्चे हैं। एक शॉपकीपर है, कोई शॉपकीपर है, वो 3/4 आइटम्स को सेल करता है, किस पे, 3/4 आइटम्स को 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं उसको वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर देता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पता करो, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, बट लेट्स सी बना पाते हो या नहीं। बनाइए, पंद्रह कितना आ गया, पंद्रह, कुछ का 10 आ रहा है, कुछ का 15 आ रहा है, 15 है या 10 है चेक कर लेते हैं। पांच सौ 83 बच्चे रह गए हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, बिल्कुल थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। 3/4 आइटम्स हैं, तो इसका मतलब टोटल आइटम 4 होंगी, 3 और 1, और टोटल कितनी है 4 है। इसमें किसी को कोई डाउट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो 3 है, 3 को बेचा 20% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 20%, तो मतलब कितने पैसे कमा लिए, 60 कमा लिए। कितने कमा लिए, 60 कमा लिए। किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल सही सर बिल्कुल। अब ये जो एक आइटम है इसको उसने सीपी पे बेचा, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर ये आइटम ₹100 की थी तो इसको 100 में ही बेच दिया, तो क्या उसे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? नो, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं। ₹100 की चीज लेके आते हो, 100 पे बेच रहे हो, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। दैट मींस यहां पर सीपी क्या है, एक सेकेंड पूरा ही मिटा दिया गलती कर, ये जो इसका तो 20% था, ये 60 था, ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि है ही नहीं प्रॉफिट और लॉस, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो जो टोटल उसे अर्निंग हो रही है वो 60 की हो रही है, जो उसे टोटल अर्निंग हो रही है वो 60 की हो रही है, तो चारों को 15% प्रॉफिट पे वो बेचेगा। कितने पे बेचेगा, 15% प्रॉफिट पे वो बेचेगा, तभी उसे ₹60 की अर्निंग मिलने वाली है, तभी उसे 60% की अर्निंग मिलेगी, ₹60 मिलेंगे उसे अगर वो सारी गुड्स को 15% प्रॉफिट पे क्या करता है, सेल करता है।
बताइए। पौंद्रा, बताइए। देखिए क्वेश्चन में तो लॉजिक होता है। देखो अब यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या होती है आपको ना, कुछ लोग पढ़ाएंगे ट्रिक से, ये है बेटे ट्रिक नंबर वन, ये है ट्रिक नंबर टू, ये है ट्रिक नंबर थ्री, इसको याद कर लेना, पेपर में भूल जाना। क्यों भाई, इतना दिमाग खराब ना हुआ हमारा कि हम ये चीजें सीखेंगे? हम लॉजिक सीखेंगे, वी विल वर्क ऑन द लॉजिक। हमें पता है चीजें काम कैसे करती हैं, वी नो हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क। ये ट्रिक व्रिक मैं याद करके जाऊं, पेपर में जाके भूल जाऊं, वहां पे मेरे को जाके दो गुणा दो भी करना है, क्या कर लूंगा मैं फिर? मेरे को एक बात बताओ, एक फेंट ही हो गया अगर पेपर में जाके, अगर पेपर में जाके क्वेश्चन को देख के फेंट ही हो गए तो ये क्या ट्रिक है, मेरे को एक बात बताओ। तो ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, ठीक है, इसको मिटा दो यहां से, कुछ नहीं होता ट्रिक व्रिक, और ट्रिक वगैरह सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड टू वर्क ऑन बेसिक्स। एक्चुअली क्या है, इन लोगों के खुद ही बेसिक क्लियर नहीं है, इन लोगों के खुद बेसिक क्लियर नहीं है, इनको खुद, इनको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना आता, ये ऐसे स्क्रीनशॉट चिपकाए रहता है उस पर पढ़ा देते हैं, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। इनको बोलो ऐसे पढ़ाइए ना, कभी हमारे साथ सॉल्व कीजिए ना। बींग अ टीचर इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर टीचिंग मैथ, वी शुड सॉल्व ऑल द प्रोसेस इन फ्रंट ऑफ यू। स्क्रीनशॉट तो किताब में भी लगा हुआ है, समझ रहे हो ना, वो स्क्रीनशॉट तो किताब में भी लगा हुआ है, किताब में भी इतना बड़ा लिखा है, तो फिर हमारी जरूरत क्या है आपको, है ना, फिर हमारी जरूरत क्या है अगर हमने भी स्क्रीनशॉट चिपचाप चिपका चिपका के ही पढ़ाना है? नो, यू नीड अस बिकॉज वी एक्सप्लेन। किताबों और टीचर में डिफरेंस ये है कि किताबें आपको क्वेश्चन तो सॉल्व करवा देंगी बट वो आपके डाउट क्लियर नहीं करती, वो आपको सॉल्व करके नहीं दिखाती, वो आपको एक्सप्लेन नहीं करती, यही तो प्रॉब्लम है ना। अदरवाइज तो आप किताबों से भी पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, समझ रहे हो ना, कुक्ड फूड की जरूरत नहीं है। इसी चक्कर में बेचारे बच्चे स्पून फीडिंग में आ गए, बोलते सब कुछ बना के दो, तुम्हें बना के दे सब कुछ, और कोई काम नहीं ना हमें। मतलब हम तो बेल्ले हैं, हमें कुछ और कोई काम नहीं है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए पेपर एक एक स्टेज है, इस स्टेज को क्रॉस करने के बाद भी बहुत सारी स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी द फ्यूचर टीचर। आपको पता है आपने कल को टीचर बनना है, आपने जाके बच्चों को पढ़ाना है, समझ रहे हो ना, आपने जाके बच्चों को पढ़ाना है। तो आपने सिर्फ सीखने पे फोकस नहीं करना, आपने सिखाने पे भी फोकस करना है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, काम की बात बता रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं, पहले बता रहा हूं, जिसको सुनना सुन सकता है, जो जाना चाहता है जा भी सकता है। पॉइंट यह है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता, एक बार मिरर के सामने खड़े होकर खुद को पढ़ा दीजिए, बस वो टॉपिक खुद को ही एक्सप्लेन कर दो, लाइफ टाइम के लिए उस टॉपिक को भूल गए तो मुझे पकड़ लियो आके, दिस इज द बेस्ट वे। ये आपकी प्रैक्टिस है, यहां पर आप सिर्फ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आप टीचर वाला प्रस्पेक्टिव ही रखो कि हाँ यार कल को हमने भी जाना है, हमने भी पढ़ाना है, तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी ये सीखने का टाइम है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है कि जेआरएफ क्लियर कर लिया या ये कर लिया, नो, अल्टीमेट प्रोफेशन तो वही है ना, जाना तो टीचिंग में है ना। जेआरएफ और नेट इज जस्ट अ फेज, वो एक स्टेज है, उस स्टेज को क्रॉस करने के बाद तो असली जंग वहां शुरू होगी ना। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस को टैकल करना। चलिए
पांच मिनट है आप लोगों के क्वेश्चन के रिप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर आपको छुट्टी। किसी का कोई डाउट है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी मैं सिर्फ कॉमेंट्स पढ़ूंगा, जल्दी बताओ। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई कोई किसी को कोई कुछ पूछना है तो फटाफट से कमेंट में बताइए, मैं ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। रीजनिंग, हां एक क्लास लेते हैं रीजनिंग की भी, ठीक है। एक डीआई की मैराथन करेंगे, अभी तीन घंटे की ही करेंगे, और एक कौन सी बोले थे आप, रीजनिंग की। हां रीजनिंग जरूर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, रीजनिंग जरूर पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिसर्च प्रपोजल के लिए क्लास, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी आपके लिए एक सेशन लेने वाला हूं, पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च पेपर से रिलेटेड और साइनोप्सिस से रिलेटेड, और साथ में इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है। एक सेशन बहुत है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं हर हफ्ते मैं क्लास लेने बैठ जाऊं कि पीएचडी करवाऊंगा तुम्हारी हवा में ही, हवा में रिसर्च पेपर करवा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। आई विल जस्ट गाइड यू, काम आप ही को करना पड़ेगा, काम आप ही को करना पड़ेगा। हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन पेपर वन, देखिए पेपर वन में आप 80 से 90 के बीच का स्कोर बहुत आसानी से ले सकते हो, 80 से 90 के बीच का स्कोर बड़ी आसानी से ले सकते हो। कंसेप्ट समझिए, पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना ही है। अब क्लास के बाद अगर तुम्हारे कमेंट नहीं मिले ना मुझे फीडबैक में, तो आगे से मैंने पढ़ाना ही नहीं है तुम्हें। जुलाई आएगी फिर ढूंढते रह जाइयो मुझे यूट्यूब पे, अगर तुम लोगों ने फीडबैक ना दिया तो सोच लियो। हाँ इंडियन लॉजिक आप लोगों के लिए मैं पढ़ा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर से भर दीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट हुआ, कुछ कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके वो टीम आपके साथ कॉन्टेक्ट कर लेगी, वहां पे आपको नंबर वगैरह आप दे दीजिएगा। कॉमर्स की क्लासेस लेते हैं यार, जुलाई में करेंगे। पेपर का तो देखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी एनटीए वाले जाग गए हैं, वो बता देंगे आपको। अभी आप कौन सा सीरीज देख रहे हो? मैं देख रहा हूं कटला, न्यू वेब सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे। कॉमर्स की क्लासेस लेते हैं यार, कॉमर्स की काफी डिमांड आ रही है, लेट्स जस्ट प्लान। मैं नए मंथ में कुछ और प्लान करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए यार पेपर कभी भी हो छोड़ दो, पेपर की टेंशन छोड़ दो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार एग्जाम की डेट्स आ गई ना तो तुम्हारे सब तोते उड़ जाएंगे, फिर हवा में देखोगे सर ये सारे तोते मेरी तोड़ रहे हैं, तो इस वजह से तोते ना उड़े, इससे बेटर है कि आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। सर थोड़ा पंजाबी बोल दो, पंजाबी 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 पंजाबी, ठीक है इतना बोल दिया। फीडबैक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के नीचे भी फीडबैक है, वो जरूर से देखे जाइएगा। इसके नीचे भी आपको फीडबैक का ऑप्शन मिलता है पीडीएफ का, वो वाला देखिए। मैंने आपको बोला था ना हमने 1100 से शुरू किया था, 1100 से शुरू किया था, कितने रह गए 450 रह गए, मतलब तीन घंटे में तकरीबन 33% बच्चे चले गए ना, कितने बच्चे चले गए 33% स्टूडेंट हैं वो क्लास छोड़ के चले गए। बट चलो कोई बात नहीं यार, हमारा काम है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। आप तो देखो आपने तो हिस्ट्री क्रिएट की है, ये जो 450 बच्चे हैं ना आप लोग तो खुद को ही शाबाशी दे दो बेटे, तीन घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें स्टैमिना नजर आ रहा है अपना कि हाँ यार हम तीन घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, हम तीन घंटे बैठ सकते हैं,
तो कल को पेपर भी 3 घंटे ही देना ना जाके, ये जो बीच में 1.5 घंटे से उठ के चले गए, पेपर में भी ऐसे ही करेंगे। पेपर नहीं आता, इन्विजिलेटर को बोलेंगे सर पेपर नहीं आता, वो बोलेगा चल जा, वो रहा दरवाजा, है ना। इस वजह से ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बहुत मजा आया आज की इस मैराथन में। कोशिश की है कि आपको काफी सारी चीजें पढ़ा दूं, परसेंटेज के बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखे, फ्रैक्शन के बहुत सारे कंसेप्ट हमने सीखे, रेशो ऑलमोस्ट हमने खत्म किया। देखो बाकी तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, मैं जितने मर्जी क्वेश्चन करवाता रहा हूं, जब तक आप खुद से उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप खुद से उन क्वेश्चन को नहीं बनाओगे, जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे कि हाँ यार मुझे ये करना है, मेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। सो बी श्योर कि आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, इन क्वेश्चन को अच्छे से बनाएं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फॉर्म भर दीजिए, अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मिलते हैं जल्दी ही किसी और क्लास में, ठीक है, बाय।